हरि ओ ओम श्री गुरुवे नमः ओम श्री परमात्मने नमः ओम दुर्गा काली गायत्री चरण कमले भ्यो नमः ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा नारायण्यं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीर जिनकी सेवा भाव से ऋणी रहे प्रभु राम ऐसे पवन पुत्र को मेरी बारंबार प्रणाम हे पारथ के सारथी प्रभु तुम्हें कोट प्रणाम मेरे जीवन की गो प्रभु मेरी छुट्टी लगा गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित बाम भागम नारायण प्रिय मगन मदापारम वाराणसी पुरपत भज विश्वनाथम गुरुदेव नाम ललिहाम जिनका सर्व मंगल धाम है पूज गुरु दयानंद एलानी के चरणों में बस बारंबार प्रणाम है जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर आइए सर्वप्रथम भगवान के चरणों में दो सप्त रूपी सुमन समर्पित है और कहना है तीन बंधु परम पिता परमेश्वर से हे गोविंद मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ हे तीन बंधु हम तुम्हारे हुए समरिया हे गोविंद हम तुम्हारे हुए समरिया तुम्हें हमारे कब बनोगे हमारे हुए समरिया तुम हमारे कब बनोगे तुम्हारे हुए समरिया भक्त कहता है गोविंद तुम्हारे हुए कन्हैया तुम हमारे कब बनोगे तुम हमारे कब बनोगे नैया पड़ी बमर में
ए नैया पड़ी भमर में उस पार कब करोगे, नैया पड़ी भमर में प्रभु ऐसे घर में भेजा जा बिल्कुल थी कंगाली, प्रभु वो पाग कैसे हरियाए जिसे छोड़ चला गया बाली, वो पाग कैसे हरियाए सूखी बाग की डाली। हे गोविंद ये सूखी बाग की डाली उसे हरा कब करोगे, तुम्हारे हुए कन्हैया तुम हमारे कब बनो, और तुमने जग में भेजा सुंदर देती काया, भगवत प्रभु ये परम पिता परमेश्वर आपने मुझे संसार में भेजा इस मानव का शरीर देकर के, और तुमने जग में भेजा सुंदर देवी काया, और जब मैं जग में आया और पीछे से लग गई माया, किसने नाच नचाया, किसने नाच नचाया, उद्धार कब करोगे तुम्हारे हुए शमरिया, ओ कन्हैया मंगलमय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम श्रद्धेय गुरुदेव जी के चरणों में नमन करने के उपरांत इस पावन प्रांगण में उपस्थित हमारे सम्मानित श्रद्धालु भक्त जन, विद्युत समाज, संत समाज, शक्ति स्वरूपा हमारी माताएं बहनाएं बेटियां, पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान भैया बच्चे,
मैं इस व्यास पीठ से सभी को नमन करता हूँ और अकारण अरुणा वरुणालय परात्पर अकलेश्वर तृणक पीतंबर धारी श्री बाल कृष्ण की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्री मद्भागवत महापुराण की पावन कथा। मेरे भक्तों, आज इस कथा का तृतीय दिवस यानी तीसरा दिन है। मनुष्य के जीवन में परमात्मा ने 7 दिन ही दिए हैं, किसी के जीवन में 8वां दिन नहीं आया। हमने आपने 7 दिन में ही जन्म लिया, 7 दिन में ही पलपुस के बड़े हुए, 7 दिन में ही जवानी का आनंद लिया। सब कुछ जीवन में जो भी वस्तुएं परमात्मा ने भोग भोगने के लिए दी हमें, आपको 7 दिन में ही हमने आपको उनका भोग किया और अंत में 7 दिन में ही प्राणी पंच तत्व में विलीन हो जाता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मण्ये विलीयते, सुखम दुःखम भयम् क्षेमम् कर्म बाधिपद्यते। मनुष्य की युक्ति भी कर्म के अनुसार बताई है और मुक्ति भी कर्म के अनुसार बताई है। हमने आपने बड़े सुंदर कर्म किए होंगे तो परमात्मा ने हमें आपको यह मनुष्य का शरीर प्रदान किया। हम आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि जो मानव शरीर पाकर के हम आप इस कलकाल कलयुग में आए हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, संसार में जो भी आया है, मनुष्य हो चाहे दैत्य हो, चाहे असुर हो, चाहे देवता हो, चाहे स्वयं परमात्मा क्यों न हो, सभी के पीछे कर्म लगा हुआ है। संसार में बगैर कर्म के कुछ होने वाला नहीं है। ये कर्म क्षेत्र है, ये कर्म भूमि है। परमात्मा ने जीव को भेजा है कि हे प्राणी, संसार में जा, मैं तुझे भेज रहा हूं, लेकिन कर्म को नहीं भूलना। यदि कर्म तूने नहीं किया तो फिर फल तुझे मिलने वाला नहीं है। मेरे भगवत प्रेमियों, हमारी विद्वान लिखते हैं कि कर्म के बारे में बड़े सुंदर शब्दों में, कर्म प्रधानी भी सुरचिरा, कर्म प्रधान बेसुरचिरा का, जो जस करई सो तस फल जागा। एक कर्म ही ब्रह्मा विष्णु महेशा, कर्म ही ब्रह्मा विष्णु महेशा, करमई से भय गौरी गणेशा, करमई से भय गौरी गणेशा। और लिखा है, करमई धरती करम आकाशा, धरती करम आकाशा, करमई धरती करम आकाशा, करमई धरती करम आपाता, करमई सूरज चंद्र प्रकाशा, करमई सूरज चंद्र प्रकाशा। लिख दिया है, करमई धरती कर्म आकाशा। आकाश भी अपना कर्म करते, धरती माँ भी अपना कर्म करती है, चंद्र सूर्य, मेरे भगवत प्रेमियों, कर्मई सूरज चंद्र प्रकाशा, उन्हीं उनके भी पीछे कर्म लगा दिया है परमात्मा ने कि सूर्य भगवान भी अपना कर्म करते, चंद्र नव तारे, जो भी इस भूमंडल पर आया है सभी के लिए कर्म लगा दिया है। कर्मई ब्रह्मा विष्णु महेशा और कर्मई से भय गौरी गणेशा। भगवान
ब्रह्मा जी सृष्टि का उनकी पालन सृजन करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं और हमारे भोलेनाथ संहार करते हैं। सभी के पीछे कर्म लगा दिया भगवत प्रेम। उस संसार में कर्म को प्रधान बताया है कि बगैर कर्म को छोड़ने वाला नहीं है मेरे भगवत प्रेमियों। अभी आप बड़ी सुंदर पावन कथा श्रवण कर रहे थे। श्री हरिहर गंगा के किनारे बैठते हुए व्यास पुत्र श्री सुखदेव भगवान उत्तरानंदन परीक्षित लाल को भगवान की पावन कथाओं को श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित को श्राप लगा कि सातवें दिन मृत्यु हो जाएगी, तो राजा परीक्षित बिल्कुल नहीं घबराए कि मेरी सात दिन में मृत्यु हो जाएगी, बिल्कुल नहीं घबराए, तनक भी उनको शंका नहीं हुई और उन्होंने राजपाट सब कुछ उसका त्याग कर दिया। और अगर आज किसी को पता चल जाए कि सातवें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी तो सातवां दिन तो बहुत दूर है, हो सकता है शाम मुश्किल से मिल जाए, क्योंकि मरने के लिए सब डराते हैं, कोई नहीं चाहता है कि हम मर जाएं। लेकिन वस्तुतः लोग आवेश में आकर के कहते हैं कि हे परमात्मा ऐसी जिंदगी से तो मरो भलो, वस्तुतः मरना कोई नहीं चाहता है। एक बूढ़ी अम्मा रहे तो भी अपने घर में बड़ी तंग रहे, न तो उनकी बहुएं सुने, न लला सुने, नाती सुने, कोई ना सुने। अजय बुढ़ापो दारी को ऐसो है कि जामे हकीकत कोई ना सुने। बहू ते अगर पानी मांगिए तो बहू कहे डुकरिया धरी ना घटिया पे, हाँ पानी दे भी बाली नहीं है। नाती ते पानी मांगो तो चलो जाएगो तिरछी नजर करके, पानी दे भी बालो नहीं है। और दो चीजों का निमंत्रण मनुष्य को कभी नहीं देने पड़ता, ये बगैर बुलाए चले जाते हैं। एक बुढ़ापा और एक मौत, इनको कभी को निमंत्रण नहीं देना पड़ता, ये दोनों चीजें बगैर बुलाए ही चली आती है मेरे भगवत प्रेमियों। तो बूढ़ी माता जी रहे तो एक दिन घर का कूड़ा करकट इकट्ठा किया और एक टोकरी में भर लिया। तो वो टोकरी माता जी उठाने लगी तो उन पे वो टोकरी सर पे ना पहुंची, तो वो बैठ के बूढ़ी अम्मा बड़बड़ाने लगी, हे भगवान मेरी घर में कोई भी नहीं सुनता है, ना नली लला सुने, ना बहुए सुने हैं, ऐसी जिंदगी से तो मरबो भलो, मेरी तो यमराज भी नहीं सुनते हैं। और ज्यो ही यमराज का नाम लिया तो देव योग से यमराज उसी गली से गुजरते हुए जा रहे थे। तो जब उन्होंने सुना कि मुझे किसने बुलाया, पीछे लौट पड़े तो बूढ़ी अम्मा बैठी थी, उन्हीं के पास पहुंचे, कहने लगे क्यों बुलाया है? अरे पीछे से आवाज आ रही थी कि मेरी तो यमराज भी नहीं सुनते, सुनने के लिए आ गए हम। तो जब काले काले भेष में देखो बूढ़ी अम्मा ने तो एकदम से डर गई, बोले आप कौन है? बोले हमें यमराज, अभी आपने बुलाया हमको याद किया, बताओ कौन सी परेशानी है? तो बूढ़ी अम्मा तो जानती है कि मरवे भी तो यमराज दिखाते हैं, हमें लगा था जे लेबे के ले आए गए। तो बूढ़ी अम्मा बोली महाराज हमें आपको कछुना चाहिए, और जहाँ आप पधारे तब प्रेम से पधारो, अगर आप आई गए तो इतना कर दो कि जट डोकरिया और जट डोकरिया के सर पे रखवाए दो, प्रेम से जहाँ पधारो प्रेम ते हमें कछु ना चाहिए है। अभी कह रही तो मेरी यमराज भी नहीं सुनते, यमराज जब लेने के लिए आ गए तो बाणी एकदम से है। बूढ़ी अम्मा कांप गई, बाणी भी शुद्ध ना निकल रही है। तो मरने के लिए सब डराते हैं भगवत प्रेमियों, लेकिन मेरा तो यही कहना है कि ये मृत्यु लोक है, इसमें जो आया है उसे एक ना एक दिन संसार छोड़ के जाना है मेरे भगवत प्रेमियों। ये मानव का जो शरीर ये पुतला हाड़ मांस का बना के रखा है, ये किसी न किसी दिन मेरे भगवत प्रेमियों इसमें अग्नि लग जाती है, क्योंकि कहा जाता है
कोई कहता है हम शहंशाह बन जाएंगे, कोई कहता है हम सोने के महल बनवाएंगे, इस भोले से जीवन में ए मानव तेरी क्या औकात है, और चार दिल की चांदनी फिर अंधेरी रात है, इस भोले से जीवन में इस मानव की क्या औकात है, अरे चार दिन की चांदनी इसके बाद अंधेरी रात है। मेरे भगवत प्रेमियों, बड़े बड़े ऋषि मुनियों आदर्शों ने इस भूमि पर जन्म लिया, इस मात्र भूमि को पवित्र बनाया। जिस भूमि पर हम आप बैठे हैं, इसी भूमि पर राम और कृष्ण ने बैठ के भजन किया, इसी भूमि पर बड़े बड़े ऋषि मुनि योगियों ने हजारों वर्ष तक बैठ के भजन किया और इस भूमि को पवित्र बनाया। इसी भूमि पर हम आप बैठ करके और भगवान की पावन कथा श्रवण कर रहे, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, सभी देशों में ये प्रतिष्ठित हमारा हिंदुस्तान ये भारत देश है। मेरे भगवत प्रेमियों, जिसमें राम ने अवतार लिया, कृष्ण ने अवतार लिया, इस मात्र भूमि को पवित्र बनाया। हम आप उन्हीं की तो संतान हैं जो बैठ के आज उनकी पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवत प्रेमियों, लिखा है किसी कवि ने बड़ी सुंदर कल्पना की है, एक मानव शरीर के ऊपर बड़ी सुंदर चेतावनी दी है कि जलता दीपक बुझ ना जाए। ये मानव शरीर जो है एक जलते हुए दीपक के समान है, जब दीपक जला दिया जाता है तो रोशनी हो जाती है, वैसे ही मानव शरीर इसमें है और इसके अंदर जो ये दीपक रूपी जीव आत्मा है तब तक ये शरीर उजाला जल रहा है, और जब ये जलता दीपक बुझ ना जाए कोई हवा के झोंके से, और प्राण का पंछी कभी उड़ जाए आई झरोके से, जगत ये झूठा सपना है, यहाँ नहीं कोई अपना है। की आंधी कब दबूचा मार देती है,
पर काल की आंधी कब आ जाए रोके न रोके से प्राण का पंछी कब उड़ जाए आए चलो के गए हैं वो खाली हाँ यहां से गए हैं वो खाली न तो कुछ लेके आए न कुछ लेके गए संसार हवस एक माया है किसने सबको नाच नचाया है अरे मानुष तन ये निकल न जाए कोई मिला जो मौके से बड़ा मौके से मानव का शरीर मिला है मानुष तन ये निकल न पाए कोई मिला जो मौके से प्राण का पंछी कब उड़ जाए आए चलो भगवत प्रेमियों संसार में अकेले ही आए हो अकेले ही जाना है आइए आगे भगवत प्रेमियों भगवान ने शुकर का रूप धारण करके हिरणाक्ष का वध किया आगे श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परीक्षित आगे का प्रसंग बड़ा ही पावन है बड़ा ही पवित्र है अब हम महाराज जो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए इनका नाम है दक्ष और उन्हीं की बेटी है शती मां तो मैं उन्हीं का पावन चरित्र श्रवण कराने के लिए जा रहा हूं जो भोलेनाथ की अर्धांगिनी है मेरे भगवत प्रेमियों एक बार की बात है कैलाश पर्वत पर मां भगवती शती मैया और भोलेनाथ बैठे हुए हैं माता भवानी ने कहा कि स्वामी कैलाश पर्वत पर रहते रहते काफी समय हो गया है मेरा मन नहीं लगता है जिस जैसे एक गड्ढे में भरा हुआ जल उसमें कीड़े पड़ जाते वो गंदा हो जाता है महाराज एक जगह आप बैठे रहे तो चलो मेरी इच्छा है कि कहीं मुझे विचरण करके विचरण करने के लिए चलेंगे तो भगवान भूतेश्वर को ध्यान आया कि चलो आज हम कुम्मज ऋषि के आश्रम में चलते हैं और राम चर्चा श्रवण करेंगे त्रेता युग का समय था एक बार त्रेता युग माही शम गए कुम्मज ऋषि पाई त्रेता युग में मेरे भगवत प्रेमी भगवान भूतेश्वर और मां शती मैया को लेकर के भगवान भूतेश्वर कुम्मज ऋषि के आश्रम में पहुंचे जब कुम्मज ऋषि के आश्रम में पहुंचे जिन्हें अगस्त ऋषि कहा गया इन्हीं को कुम्मज ऋषि कहा गया है तो जब कुम्मज ऋषि ने देखा भगवान भूतेश्वर को प्रणाम किया आई देवों के देव महादेव
भगवत प्रेमियों, जने सुर नर की मुनि देवता सभी ही नमन करते हैं। शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावें शीशा। सभी ये देवों के देव महादेव हमारे भोलेनाथ हैं। आज कुम्भज ऋषि ने कहा, आपका कैसे आगमन हुआ है भोलेनाथ मेरे आश्रम में? भगवान भूतेश्वर ने कहा, हे कुम्भज ऋषि, मैं आपके द्वारा राम चर्चा नहीं सत्संग करने के लिए आया हूं। चलो बैठ करके राम चर्चा हो जाए। मेरे भगवत प्रेमियों आसन मार के बैठ गए, राम चर्चा श्रवण कराने लगे। मेरे भगवत प्रेमियों राम कथा सुंदर सुखदेनी अगहरणी वैकुंठ नसैनी। जो राम कथा वो है, भगवान की पावन कथा वो है जो मनुष्य को स्वर की प्राप्ति करा देती है मेरे भगवत प्रेमियों। और ये बात सत्य है कि जितना आनंद प्राणी को भजन में और प्रभु की भक्ति में आनंद है मेरे भगवत प्रेम, उतना आनंद कहीं भी नहीं है। क्योंकि लिखा है, संत लिखते हैं भक्तों, सुखी मीन जिम नीरी अगादा, जिम हर शरण न एक ब्याधा। सुखी मीन, मीन मने होती है मछली, मछली को सुख कहां मिलता है? अगाध जल में। जहां अगाध जल भरा हो तो मेरे भगवत प्रेमियों मछली सुख की कामना करती है, सुख प्राप्त करती है। सब कुछ जल ही उसका जीवन है मेरे भगवत प्रेमियों। जैसे अगाध जल में मछली को सुख मिलता है, वैसे ही जे में हर शरण न एक ब्यादा, वैसे ही हरि की शरण में चले जाओ, परमात्मा की भक्ति में चले जाओ, तो जैसे मछली को अगाध जल में सुख है, वैसे ही मनुष्य को परमात्मा की भक्ति में सुख है। मेरे भक्तों, आज राम चर्चा हो रही है मेरे भगवत प्रेमियों। इधर भगवान भूतेश्वर को समाधि लग गई, जब वो राम चर्चा श्रवण करते थे तो समाधि उन्हें लग जाती, समाधिष्ट हो जाते थे, इतना राम कथा से प्रेम था। जिसे अमर कथा कहा गया है यही तो राम कथा है मेरे भगवत प्रेमियों। आज इधर काफी समय हो गया, और जब मैया सती बैठी है, कहने लगी, महाराज अब तो नेत्र खोलो, काफी समय है गयो है। अरे नेत्र खोलो, तो जब भगवान शिव के नेत्र खुले, आज राम कथा श्रवण करके कहा कि मुझे तो समाधि लग गई, आज आनंदमय भगवान भूतेश्वर हो गए। कहने लगे, इनके यदि मुझे दर्शन हो जाए तो केवल दर्शन की और अभिलाषा लगी हुई है। कुम्भज ऋषि से विदा लेकर के, और आज इधर भगवान भूतेश्वर माँ भगवती को लेकर के साथ में चल दिए, और इधर त्रेता युग का समय है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम आज 14 वर्ष के वनवासी हो चुके, दशरथ मरण हो चुका, गंगा के पार हो चुके और सीता हरण हो चुका, ये उस समय की बात है। आज इधर भगवान राम अपनी जानकी की खोज कर रहे हैं, विरह में घूम रहे हैं, और पशु पक्षियों से भगवान पूछ रहे हैं, मेरी जानकी को तो नहीं देखा है।
काकी हे रागी मधुकर श्रेणी से मधुकर मने भौरों से भगवान पूछ रहे हैं कि मेरी जानकी को तो नहीं देखा है और इधर तो भगवान राम जा रहे हैं और उधर से भगवान भूतेश्वर भोलेनाथ सती को लेके आ रहे हैं। दूर से दृष्टि पड़ी, भोले बाबा ने दूर से प्रणाम किया। अरे मालूम तो यही पड़ रहा है कि यही मेरे राम है, यही मेरे इष्ट देव है, यही परमात्मा है, यही मेरे पिता है। आज अपनी जानकी की विरह में जंगल में घूम रहे हैं, पीछे पीछे उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण जी हैं। जी तो ये कर रहा है कि जाओ इनसे दो बातें कर लूं, लेकिन कहीं भेद ना खुल जाए, साथ में सती जी है, इन्हें कहीं शंका ना हो जाए। तो भगवान भूतेश्वर के मुख से आवाज निकलने लगी, प्रभु राम तुम्हारी जय हो, प्रभु राम तुम्हारी जय हो। सती जी ने जब ये सुना तो मां भवानी कहने लगी, स्वामी किनका नाम ले रहे हो? काहे सती, आपको पता नहीं मैं जिनकी चर्चा कुम्भज ऋषि के द्वारा श्रवण कर रहा था, मैं उन्हीं का तो नाम ले रहा हूं। और देखो ना दृष्टि डाल के, यही तो मेरे आराध्य देव हैं, यही तो मेरे इष्ट देव हैं, यही तो वो राम है। आज अपनी जानकी सीता के विरह में घूम रहे, इस जंगल में खोज कर रहे हैं। मां भगवती कहने लगी, स्वामी आपको आप संसार के पिता कहे जाते हैं, सारा संसार आपकी पूजा करता है, आप त्रिलोकपति है, और इन जरा जरा से बालकों को आप राम बता रहे हो। ये राम है, और कई राम कई नारी के चक्कर में जंगल में घूमा करते हैं, ये बात मेरे समझ में नहीं आई महाराज। और ये आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, जरा जरा से बालकों को राम बता रहे हो। भूतेश्वर भोलेनाथ कहने लगे, हे भवानी आप अरे विश्वास करिए, रमते हैं रोम रोम में श्री राम वही है, और बसते हैं बियो ओम ओम में श्री राम वही है। अरे यही तो है जो मेरे कड़कड़ में बसे हुए हैं। लेकिन मां भवानी को शंका हो गई, मां भवानी कहने लगी, स्वामी आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है प्रणाम करते हुए जरा जरा से बालकों को? अरे कुछ तो शर्म करिए स्वामी, सारा संसार सभी देवता असुर दैत्य तुम्हें पिता मानते हैं और तुम जरा जरा से बालकों को राम बता रहे हो। भवानी को विश्वास नहीं हुआ, भोलेनाथ कहने लगे, कैसे विश्वास होगा? कहा, महाराज मुझे विश्वास तभी होगा जब मैं इनकी जाके परीक्षा लूंगी। तो ज्यों ही मां भवानी ने कहा, भूतेश्वर भोलेनाथ कहने लगे कि जो तुम्हारे माने अति संदेह
कृष्ण देव पोते ने जाई परिचाले कह दिया भोलेनाथ रे, यदि आपके मन में ये संदेह है कि ये राम नहीं है तो जाओ चली जाओ परीक्षा लेके आओ। आदेश दे दिया। मां भवानी आगे बढ़ी, उन्होंने विचार किया अगर इस भेष में मैं जाऊंगी तो ये पहचान जाए, तब भी पहचान लेंगे कि भोलेनाथ की अर्धांगनी है, मैं उन्हीं की पत्नी सीता का रूप बना के जा रही हूं और ये समझ जाएंगे कि ये मेरी सीता पत्नी आ रही है तो मुझे अपना लेंगे, अपने हृदय से लगा लेंगे, मुझे विश्वास हो जाएगा कि ये राम है। आहा, मां भगवती ने भेष बदल दिया और दूसरे की पति की परीक्षा लेने के लिए जा रही है। लेकिन धन्य है हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किया। यही तो मनुष्य की सबसे बड़ी शिक्षा है कि अपनी मर्यादा को कायम रखे। मेरे भगवत प्रेमियों, आज मां जानकी का भेष बना लिया और मां भगवती आगे चलती है तो जिस मार्ग में भगवान राम खड़े हैं उसी मार्ग में जा रही है। दूर से प्रभु राम ने देखा, पहचान लिया और भगवान राम का नियम था, आदर्श थे, मर्यादा थी कि दूसरे के नारी यदि मार्ग में जा रही है तो भगवान राम कहते थे कि मैं उसके पग चिन्हों पर अपने पैर भी नहीं रखूंगा, ये मेरे राम की मर्यादा थी। मेरे भगवत प्रेमियों, और आज के लोग हैं ना, पराई बहन बेटी को खूबसूरत देख ले तो दीवाने हो जाते, खाना पीना छोड़ देते हैं और उन्हें ये पता नहीं कि जल्दी मौत का हिसाब किताब जल्दी बन जाता है। मेरे भगवत प्रेमियों, राम ने देखा कि कोई स्त्री आ रही है तो मार्ग को त्याग दिया, लेकिन मां भवानी नहीं मानी, दूसरे मार्ग पर चल दी, उसी मार्ग पर फिर हो गई। भगवान राम कहने लगे इसका मतलब है कोई जान परिचय का आ रहा है, है? मैंने वो मार्ग त्यागा, ये इस मार्ग पर आ गई। तो इधर जब समकक्ष पहुंच गई लंब घूंघट मारे तो इधर लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ी। लक्ष्मण जी बोले भैया ये कौन है, आपने उस मार्ग को त्यागा तो इस मार्ग पर आ गई, ये कौन है लंबा घूंघट मार के आपकी ओर चली आ रही है, कौन स्त्री है? राम ने कहा बेटा लक्ष्मण ये तो माता जी है भवानी, सती मैया है, भोलेनाथ की अर्धांगनी है, मां भवानी है, लंबो घूंघट मार के आ रही है मेरे भगवत प्रेमियों। और ज्यो ही कहा बेटा इनको प्रणाम करो ये मां है, आगे पहुंची तो प्रभु राम ने प्रणाम किया, मैया मैं आपको प्रणाम करता हूं, कहां जा रही हो? अरे पिताजी को कहां छोड़ के आए? हा हा, ज्यो ही भगवान राम ने मां कह के प्रणाम किया कि मां पे ऐसो मालूम पड़ो मन खोपड़े पे बम फट पड़ो, चौंक पड़ी मां भवानी, अरे मैं तो इनकी पत्नी का रूप बना के आई लेकिन इन्होंने मां शब्द कह दिया। लज्जित हो गई मां भवानी, कोई बेटा मां कह दे मेरे पराई स्त्री से तो मेरे भगवत प्रेमियों पर मां और पुत्र का रिश्ता बड़ा ही अजीब होता है। मेरे भगवत प्रेमियों, आहा, भगवान राम कहते थे मेरे भगवत प्रेमियों, उन्होंने क्यों सती को प्रणाम किया जो जगत की जननी मां भवानी है, कि जननी सम देखो पर नारी बोलो सीता राम राम को राम ही राम।
विष ते विष भारी बोलो सीता राम राम को राम रामा तन पराओ विष ते विष भारी बोलो सीता राम के नियम थे। उन्होंने कहा कि जननी श्याम श्याम मने अपनी जननी मने माँ पराई नारी को कैसे देखना चाहिए जैसे अपनी माँ को देखते हो। ये पराई नारी माँ है, अगर इसको माँ की दृष्टि से देखते रहोगे तो ये माँ हमेशा पुत्र के लिए, अगर जल मांगोगे तो जल देगी, भोजन मांगो तो भोजन देगी, गोदी में भी बैठा लेगी। जननी शम देखो पर नारी और धन पराओ विषते विष भारी। संसार में दो चीजों से यदि बचे रहोगे, कम से कम 100 कोस दूर रहियो तो हो सकता है कि कलयुग में 100 बरस तक जी जाओ। एक पराई औरत और एक पराई दौलत, इनते 100 कोस दूर रहियो भैया। अगर इनते दूर रहोगे तो 100 बरस तक जी जाओगे, और अगर पराई औरत से जिसने इसने कर दिया तो फिर 50 मुश्किल है, बहुत जल्दी गोविंदा नमो नमा हो जाएगी। मेरे भगवत प्रेमियों, जब मनुष्य का चित्त पराई नारी पर गलत पड़ने लगे तो समझ लेना कि अब हम नाश की प्रथम सीढ़ी पर अपना कदम रखने के लिए जा रहे हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, ये मेरे राम की मर्यादा थी, ये मेरे भगवत प्रेमियों। तो उन्होंने पराई नारी को समझ के और साक्षात भोलेनाथ की पत्नी माँ कह दिया, आहा अब तो सती मैया सोच में पड़ गई कि मैं अब स्वामी से जाकर के क्या जवाब दूंगी, मैं तो इनकी परीक्षा लेने के लिए आई थी लेकिन मेरी उल्टी परीक्षा लिप गई। जगत के पिता की कौन परीक्षा ले सकता है, जो सारे संसार की परीक्षा लेने वाला है। मेरे भगवत प्रभियों, जिसके अंगुली से ब्रह्मांड नचता है और उसकी परीक्षा लेने के लिए माँ भवानी पहुंची, इधर उधर भागी है लेकिन भागने न पाई। देखा कि भगवान की सेवा में शशि सूर यम कुबेर वरुण दसों दिशाओं के दिक्पाल भगवत प्रेमियों आज सभी सेवा में खड़े हुए हैं भगवान की। मेरे भगवत प्रेमियों, अब तो माता सती लज्जित हो गई और लज्जित हो करके लौट आई, अब भोलेनाथ के सामने सर नीचा करके खड़ी हो गई। भगवान भोलेनाथ ने कहा, कहो सती परीक्षा लेवे के लिए गई थी, परीक्षा में पास वही के फेल वही, कुछ उत्तर दे। तो सती मैया उत्तर ना दे रही। भगवान भूतेश्वर बोले, अरे जब परीक्षा लेने के लिए जा रही तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब काएगा ऊंट का चिपक गए, अरे बोलो ना बताओ। तो सती मैया एकदम से कहने लगी, स्वामी कछु ना परीक्षा लीने गुसाई कीने प्रणाम तुम्हारे स्वामी।
कछु न परीक्षा लीन गुसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, जिससे आपने प्रणाम कियो और वैसे मैं भी प्रणाम करके चली आई। भोलेनाथ कहने लगे जा मैं कोई कारण है, चेहरा बिल्कुल इनका कोमल आ गया, कोई बात जरूर है। भोलेनाथ त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने जिस समय ध्यान धर के देखा, आहा सती आपने अच्छा नहीं किया, मेरे प्रभु की परीक्षा लेने के लिए मेरी मैया सीता का रूप बना के आप पहुंच गए, लेकिन धन्य मेरे प्रभु जिन्होंने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। भोलेनाथ को क्रोध आ गया और कहा हे सती, तुम मेरी मैया जानकी का रूप बना के मेरे प्रभु की परीक्षा लेने के लिए पहुंची, आज से मैं संकल्प कर रहा हूं। शिव संकल्पे कीन मान माजी जातन सती भेट अवनाई, कहा संकल्प ले लिया भोलेनाथ रे, कहा हे सती आज से मैं संकल्प लेता हूं कि इस तन से मेरी कभी भेंट नहीं हो सकती है, अब ये शरीर अब हमारा आपका पति पत्नी का रिश्ता नहीं रहा है, अब तो जैसे आप माँ जानकी का रूप बना के पहुंची, आज यही आपका शरीर आप मुझे माँ जानकी के समान दिख रहे हैं। त्याग दिया भोलेनाथ ने, मेरे भगवत प्रेमियों, पत्नी अगर पति से झूठ बोलती है तो फिर पत्नी किस काम की है, है? मेरे भगवत प्रेमियों किस काम की है, सती मैया झूठ बोल गई तो भोलेनाथ ने उनका परित्याग कर दिया, अब भोलेनाथ 87,000 वर्ष की समाधि लगा के कैलाश पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर समाधि लगा गए। आहा अब तो कैलाश पर्वत पर कोई बात करने वाला भी नहीं है, भोले का नांदिया है, मां भवानी है, अब तो इधर उधर चक्कर लगा रही है। भोलेनाथ के पास में जाती, स्वामी नेत्र खोलो, मुझसे भूल हो गई, मैं आपसे बेमतलब में झूठ बोल गई, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, हे स्वामी आप मुझे माफ करें, मुझे क्षमा करें। मेरे भगवत प्रेमियों आज इधर, और हमारे सम्माने भैया श्री बबलू प्रजापति, आपके द्वारा ये 201 रुपए का दान हमारी भागवत वेदी पर चढ़ा के व्यासपीठ का सम्मान किया है, ये प्रजापति परिवार सदा भूलता भूलता रहे ताकि आप यहाँ सदा धर्म की ओर बढ़ते रहे। मेरे भगवत प्रेमियों इधर, आज उसी समय अब तो सती मैया चक्कर लगा रही है और कहती है, बोला नेत्र खोलो, मैं आपसे झूठ बोल गई, मुझे क्षमा कर दो। और ये बात सत्य है, अगर पति पत्नी से रूठ जाए, पति पत्नी से रूठ जाए तो ना भाई लली ललानी के लगे, ना अड़ोसन पड़ोसनी की लगे, ना भोजन बनाए कहो लली ललन को मारन लगे, कहो घर के बर्तन पटकन लगे, हाँ पता नहीं कौन सा भूकंप आए जाए, हा? तो भाई कोई फिर घर में नी को ना लगे, और जब तक पति को मना ना लेगी तब तक चैन से ना बैठेगी, और भगवान पता नहीं कौन सो मंत्र इनके अंदर फिट कर दो भगवान ने, कि पति अगर सुबह रूठ जाए तो जे समझ लो ऐसो मंत्र फूंक के मारे के शाम को हंस के पिंटू के पापा रोटी मांग ले, हाँ। और अगर भवानी रूठ गई, अगर भवानी रूठ गई तो हो सकत मनाएवे में कहो 8-10 दिन लग जाए, हाँ मनवे वाली नहीं भैया, इनकी लीला जे ही जाने, लेकिन पति को बहुत जल्दी मनाए लिए, ये तो बात क्लियर है। मेरे भगवत प्रेमियों इधर, अब तो माता सती बिचारी इधर उधर भटक रही है और भोलेनाथ के पास में जाती और कहने लगी है, स्वामी
मेरे भगवत प्रेमियों, अब तो माँ भगवती को कैलाश पर्वत पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। रोती है, आए भरती है, शिष की भर के रह जाती है। धोनी तक, बट तक, नंदी तक, शिखरों से चक्कर खाती है। आज ब्रह वेदना है, भूले नेत्र नहीं खोल रहे है। कहने लगी स्वामी, आहा मेरे भगवत प्रेमी, और कहती है, ओ निर्मोही पिया, तुम्हें जब दासी रही थी बुलाई दे, रो रही माँ भवानी, ओ निर्मोही पिया, तुम्हें जा दासी रही थी बुलाई रे, और नेत्र खोल दे मेरे सजना, मैं तो तड़प तड़प मर जाऊं। गलती भाई सजन, अब माफ करो जो हमारी दे, और बेमतलब की झूठ बोल गई, तेरी लीला समझ न पाई रे। और सोई हुई के जब दिए, अरे जोरे बिधना ने लिख दिला, लिखी विधाता गिर नहीं मिटी है, अरे भक्तों करियो लाख उपाय। धीरे धीरे कहे सजन, मेरे अखियां खोलो रे, अरे अखियां खोलो रे, अखियां खोलो रे सजन, मेरे अखियां खोलो रे। भवानी धीरे धीरे कहे सजन, मेरे अखियां खोलो रे, लेकिन भोलेनाथ ने नेत्र नहीं खोले। हमारे भोलेनाथ को भोले और भाले कहा गया है। जरा सी तपस्या में रीझ जा, एक लोटा जल चढ़ाओ भोलेनाथ प्रसन्न, और जरा सी गलती हो जाए तो भाला जैसी नोक हो जाती। भोले भाले कहते हैं, जिसने जो मांगा उसको वरदान दे दिया, चाहे बीच कहीं बाद में कुछ हो जाए। भस्मा सुर को वरदान दे दिया कि तुम जाओ सर पे हाथ जिसके रख दो भस्म हो जाएगा, उसने मांगा और बाबा ने ना समझी ना बूझी और वरदान दे दिया, और बाबाई को वरदान और बाबाई पे चालू कर दो बान। अब बाबा पांगे आगे भागो, तो भगवान विष्णु ने रक्षा की और उन्होंने कहा कि कम से कम महाराज तो देख ले करे, वरदान देने से पहले समझ लिया करो, तुम तो बिना सोचे समझे वरदान दे देते। तो हमारे औगड़दानी ऐसे भोलेनाथ हैं, बड़े दयालु हैं। धीरे धीरे 87,000 जिस समय वर्ष पूरी हुई है, तो इधर उसी समय देखा कि कैलाश पर्वत से विमान होके जा रहे हैं। विमान जा रहे हैं देवता देवियों के साथ, गंधर्व गंधर्वियों के साथ, सभी देवता मेरे भगवत प्रेमियों आज जा रहे हैं।
इधर जब सती मैया की दृष्टि पड़ी तो भगवान शंकर के उसी समय नेत्र खुले। जब नेत्र खुले तो देखा कि सती जी बिल्कुल सूख के काटा हो गए। पति मनते ना बोले तो पत्नी सूख जाती है। मेरे भगवत प्रेमियों, आज सती मैया बिल्कुल मधीन बैठी हैं, ऊपर को देख रही है, देवता कहाँ जा रहे हैं, देवियां कहाँ जा रही है। नेत्र खुल गए तो सती जी को जब देखा चेहरा कुमला गया, कहने लगे बैठ जाओ। ऐसी वैसे पास में बैठाते थे, कहा दूर आसन पड़ा बैठ जाओ, कुशल मंगल है। सती कहने लगी महाराज एक बात बताऊं, ये विमान कैसे जा रहे कैलाश पर्वत से? मैंने देखा कि देवता देवियों के साथ में, गंधर्व गंधर्वियों के साथ में कहां जा रहे हैं? ढोल ताशे बजाते हुए ब्रह्मा विष्णु यम कुबेर वरुण सूर्य चंद्र दसों दिशाओं के दिक्पाल, ये कहां जा रहे हैं? तो आज भगवान भोलेनाथ कहने लगे आपको पता नहीं है, ये आपके पिता दक्ष ने यज्ञ करवाई है और यज्ञ में सभी को निमंत्रण दिया है, ये निमंत्रण में जा रहे हैं। सती मैया ने विचार किया, कहने लगी ये बताओ महाराज, आप तो मेरे पिता के सबसे बड़े दामाद थे, निमंत्रण प्रथम तो आपको आना चाहिए था, आपको क्यों नहीं आया है? भगवान भूतेश्वर बोले हमारे और तुम्हारे पिता के बीच में एक बार अनमन हो गई थी, तुम्हारे पिताजी ने मेरा अपमान कर दिया था सभा में। एक बार दक्ष प्रजापति की सभा लगी थी जो यज्ञों का स्वामी था, और इधर मेरे भगवत प्रेमियों सभा लगी, सभी देवता बैठे थे, तो जब यज्ञ प्रजापति का दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ तो सभी देवता खड़े हो गए, सम्मान किया। उसी सभा में भगवान भूतेश्वर बैठे थे तो वो खड़े नहीं हुए, तो एकदम से दक्ष कहने लगा तुझे शर्म नहीं आती है, तू मेरा दामाद था? अरे सभी देवताओं ने मेरा सम्मान किया, तूने मेरा सम्मान नहीं किया, निकल जा मेरी सभा से, आज के बाद मैं तुझे कभी यज्ञ में भाग नहीं दूंगा। तिरस्कार कर दिया मेरे भोलेनाथ का, भोलेनाथ चले आए, इसीलिए मुझे निमंत्रण नहीं दिया। अभी देखिए समझने की बात है, अगर पिता भागवत करवाए यज्ञ करवाए और ससुराल में अगर बिटिया को पता चल जाए तो बर रह सकती है ना? चल 20 उपाय करे और अपने पीहर में जरूर जावेगी। निमंत्रण ना आए तो पत्नी को विश्वास नहीं हो सकता है। पति खूब कहे कि निमंत्रण नहीं आया, बोले बिल्कुल नहीं झूठ बोल रहे हो, निमंत्रण आया जरूर होगा। अरे जिसको कार्ड दिया उसने दिया नहीं, मेरे पिताजी ऐसा बिल्कुल कर नहीं सकते, पत्नी को विश्वास नहीं हो सकता है। और एक बात बताएं, इन्हें ससुराल से ज्यादा प्यारो पियर है, ससुराल की कोई बुराई कर दे सुन लिए, और अगर पियर की बुराई कर दे परीक्षित जी तो फिर शाम को मुश्किल है जो रोटी मिल जाए। का कहें मेरे भैया ने कहा तुम खेत ले लो है, बताओ भैया की जा तो भैया मौत दे दे, तुमसे तो कबूना ले, कौन सी बुराई कर रहे हो? तो खटपट हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए दो चार दिन का, और रोटी न बने घर में अगर उनके पियर की बुराई कर दी। मेरे भगवत प्रेमियों, तो अब देखो पत्नी को जा दिन भैया लेवे के लिए आवे तो रोजाना कहो जगह 10 बजे, अगर भैया जिस दिन लेवे के लाए तो सुबह 4 बजे अलार्म भर दिए, सुबह 4 बजे जल्दी जागे, घर साफ पोंछ कर दे, एकदम से झाड़ू लगा ले, बर्तन साफ कर दे और भोजन बनाए दे, और कम से कम इतने ऊंचे टिक्कर बनाए कर रख दिए, और कहा के सुनो अबे खाए लियो, दिन में खाए लियो, शाम को खाए लियो, और कल के लिए भी बना के रख रही हूँ, फिर अब मैं आ जाऊंगी। 8 बजे जब पियर में पहुंच जावे और फिर आप लिबान जइयो, आप लिबान जइयो और शाम को पहुंचे और कही सुनो ए
कल हमें दूसरी जगह जाना है, थोड़ा काम है, और सुबह जल्दी इतने जल्दी चलियो धूप ना है जाए। तो एकदम से झुझला है कि का बोले चली चली सुबह अबे आया आए पी की तो देरी ना है भाई, और चलवे की पहले तैयारी है गई है। अरे चली चले होंगे अबे तो हम बाजार ना गई, अरे तो मेरी मम्मी ने साड़ी ना लाई हमें है, और आप कहने लगे चलो। तो भगवत प्रेमियों इतनी लंबी झड़की मार दे पूरो दिन हो जाए तब शाम को आए पाए भैया ले भाई बिकला तो 4-8 बजे पहुंच जावे। मेरे भगवत प्रेमियों तो सती मैया बोली कोई बात नहीं, ऐसो है महाराज जिस दिन से आपके साथ में विवाह के आयो उस दिन से मैंने अपनी मैया ना देखी अपनी बहनाएं ना देखी, ऐसो करो मुको आगे दे दो हम चली जाए अपने पियर में। तो भोले बाबा कहने लगे ना तो मैं हाँ कर रहा हूँ ना मैं ना कर रहा हूँ, आपकी जो मर्जी है वो करिए, लेकिन एक बात जरूर है, एक बात जरूर है कि चाहे पिता का घर हो चाहे गुरु का घर हो चाहे मित्र का घर हो बिना बुलाए चलो जाए, लेकिन अगर कुछ आपस में अनमन हो गई हो तो पर जाने में भलाई ना है, है? आपत्ति ही आदर नहीं नैनन नहीं शने तुलसी वहां न जा जी जय चय कंचन बरसे में चय सोना बरसता हो चय बेशक तुम्हारे पिता का घर हो अगर बुलावा नहीं आया तो वहां जाना नहीं चाहिए है? लेकिन ये मानने वाली कौन है? है पियर तो जाने बेशक निमंत्रण ना आवे लेकिन माता हुए ना हो। कहा गया है मेरे भगवत प्रेमियों जिस जगह पे आदर बाबू नहीं उस जगह पे जानो ना चाहिए आदर भाव नहीं उस जगह पे जानो ना चाहिए और एक गाय बिरानी खेत बिरानो एक गाय बिरानी खेत बिरानो फिर उसे बिड़ानो ना चाहिए हाँ उसे बिड़ानो ना चाहिए ए पत्नी कितनी प्यारी हो सारा भेद बताना ना चाहिए पत्नी कितनी प्यारी हो लेकिन पूरो पेट को थाव न दियो। विद्वान बताते हैं कि नारी कितनी विदुषी हो उसमें लक्षण एक आता है और नारी के अंदर बात तो क्या पानी तक नहीं समाता है। नारी को श्राप लगा है महाभारत का कि इसके पेट में कभी बात नहीं रुक सकती है। न मानो तो अनिवार्य लियो शाम को दे दियो अपनी पत्नी को 10,000 की गड्डी जगाई है कफार में को पता ना चल पाए बोले तुम्हारी कसम करिया बकुर जाए हम बकुर भी वाली नहीं है और पर रात भर नींद नहीं आवे पूरी रात कब सवेरा होए कब पड़ोस इंतजार पेट को बबू को निकाले हाँ रात नींद नहीं आएगी और सुबह जागेगी कऊ न कऊ बाना न पड़ोस न घरे पहुंच जावेगी और चट दे बताई दिए जाए हाँ और सुबह ते शाम तब होया जब पूरी कफार में आगी सी फूक दी है क्यों जब महाभारत के युद्ध में कर्ण मारा गया तो
तो कुंती बहुत रोई। तो धर्मराज ने कहा कि माँ आज तो दुश्मन मारा गया, तू रो रही है, अरे खुशियां मना। तो कुंती ने कहा कि बेटा वो दुश्मन नहीं था, वो तुम्हारा भाई था, जिसको मैंने कुआरे पे जन्म दिया था लेकिन लज्जा बस उसे नदी में बहा दिया था, ये तुम्हारा ही भैया था। तो धर्मराज के नेत्रों में आंसू निकल पड़े कि माँ अगर तो ये बात तू मुझे पहले बता देती कि कर्ण मेरा भैया है, तो अर्जुन एक भैया के हाथ से भैया नहीं मारा जाता, और यह तो बात तू छिपाए ही रहती। उसी दिन धर्मराज ने कहा कि माँ मैं नारी जाति को श्राप देता हूं कि नारी के पेट में कभी बात नहीं ठहर सकती है। ए पत्नी कितनी प्यारी हो सारा बताना ना चाहिए, और चुगल घोर पे परे जब लठिया, अरे चुगल घोर पे परे जब लठिया तो उसे बचानो ना चाहिए। चुगली करने वाला वो भरे चौराहे पे पिटता, वो कबू बचाइयो ना मौका लग जाए तो दो चार हाथ तुम सहकली हो। हाँ ताल बिगारे है काय ने चुगलन डारे देश बिगार, और माहिल मामा की चुगली में बारह बाट भये परमाल। आला उधल को निकलवाने के लिए परमाले से चुगली कर दी उरही का माहिल ने, तो जेठ की दोपहरी में निकलवा दिया, तो चुगलन तो बच के रहियो। हाँ भगवत प्रेमियो याद रखियो, दूर रहियो चुगलन तो। भाई भाई में अगर प्रेम है तो चुगला का उसमें विष पैदा कर दे। मेरे भगवत प्रेमियो आज इधर सती जी नहीं मानने वाली, और सती जी कहने लगी मैं तो अपने पीहर को जरूर जाऊंगी, और जब पत्नी पति की आज्ञा का उल्लंघन कर दे तो आप समझ लो कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। नहीं मानी माँ भवानी और जाने के लिए तैयार हो गई, नंदी पे सवार हो गई, और जब ये पियर चले ना तो आगे पीछे कोई ना लगे, फिर पियर ही पियर दिखावे ना कोई दिन अच्छो लगे। सती मैया चल दी, भगवान शंकर ने दो गढ़ भेज दिए कि चलो जाओ कि जाकर के देखना यज्ञशाला में कि सती जी क्या करती हैं। मेरे भगवत प्रेमियों आज इधर माँ भवानी चल दी है नंदी पे सवार हो करके, और जिस समय अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुंची है, पिता भवन जब गई भवानी दक्षित्रास का उनशन मानी, जब अपने पिता के भवन में प्रवेश किया माँ भवानी ने तो देखा यज्ञ हो रहा है, ब्राह्मण बैठे हुए यज्ञ करवा रहे, वेद मंत्रों के सूत्रों से आहुतियां प्रदान की जा रही, देवता बैठे हुए हैं। जिस समय माँ भगवती पहुंची तो पिता दक्ष ने देखा तो मोह मोड़ लिया, कोई शब्द नहीं कहा। बहनाएं भी बैठी थी, उन्होंने भी कुछ शब्द नहीं कहा, कुछ नहीं कुशल मंगल पूछी कि जब बेटी घर में जाती है तो पिता अपने हृदय से लगा लेता अपनी बेटी को, लेकिन माँ भवानी से किसी ने नहीं पूछा। पिता ने झुझला के कहा चली जा मेरे यहां से, तुझे किसने बुलाया। जब ये कहा पिता ने, सती माँ भवानी के नेत्रों में आंसू आ गए। वही पिता दूर से देख करके दौड़ के कंठ से लगा लेते थे, और आज यही पिता ने मेरे लिए वो कटु वचन कह दिए जो मेरे हृदय में तीर की तरह वितरित कर गए। मेरे भगवत प्रेमियों
शक्ति माँ रोने लगी, अपने भोलेनाथ की याद आने लगी कि आज उन्होंने बहुत रोका लेकिन मैं नहीं मानी। देखा यज्ञशाला में सभी देवताओं के स्थान हैं, लेकिन उनके पति महादेव का कहीं स्थान नहीं है। सती जी कहने लगी, पिताजी आपने मेरा अपमान कर दिया, कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरे पति महादेव का भी आपने अपमान कर दिया। सभी देवताओं के स्थान है लेकिन आपने मेरे स्वामी को कहीं स्थान नहीं दिया। पिताजी मैं ये आपका यज्ञ पूर्ण नहीं होने दूंगी, मेरे स्वामी देवों के देव महादेव जिनका अपमान एक पत्नी के सामने हो जाए उस पत्नी को धिक्कार है। विकराल रूप मां भवानी ने रख लिया और कहा, पिताजी मैं ये आपका यज्ञ अर्घ पूर्ण नहीं होने दूंगी और हे देवताओं साक्षी रहना, भोला से बन जाए तो मेरे संदेशा कह देना, आज बाप के कुटिल अन्यायों पर ये बिटिया बलिदान चढ़ाती है। हे बिदने बस इतना दे दे ये सती सत्य की धनी रहे और जब जब इस संसार में आऊं तो भोला की टहलुनी बनी रहूं, हर समय हमें पति रूप में मिले तो हमारे महादेव। आज कह दिया, देवता सभी देखने लगे, पति पत्नी की रोजाना बेशक लड़ाई होती हो, अगर जिस जगह पे पति का अपमान हो रहा है तो पत्नी अपने पति के अपमान को सहन नहीं कर सकती है, उस समय चंडी का रूप धारण कर लेती है। मेरे भगवत प्रेमियों, नारी जाति एक ही है लेकिन हर नारी के गुण अलग अलग हैं। है एक नारी वो है जो मानव की सेन करे और एक नारी वो है जो धौंस नर पे जमाती है। एक पत्नी वो है जो अपने पति की हर बात को सुनती है, एक पत्नी वो है जो उल्टी धौंस अपने पति पर जमाती है। एक नारी वो है जब पति से बिछोड़ी भयो और पति के वियोग में वो तो गाय सी रमाती है। माँ सीता जब पति से बिछोड़ हो गया तो माँ जानकी रो रही है, एक नारी वो भी है। एक नारी वो है जन देश से ही प्रेम की हो और देश की खातिर जने जान तो गमाई है। एक नारी वो है मेरे भगवत प्रेमियों, लोधी अमियंती बाई जिसने अंग्रेजों से लड़ाई जो आपके ही वंश की थी, रानी लक्ष्मी बाई एक वो भी नारी है जिसने अंग्रेजों से जम के लोहा लिया, एक नारी वो भी है, है? एक नारी वो है जो कृष्ण की बहन लगे और घर बैठे खावे जो अर्जुन की कमाई है। एक नारी वो है मां द्रौपदी जो पांच पांडवों की पत्नी है, जो घर बैठे खाए अपने अर्जुन की पति की कमाई। एक नारी वो है, एक नारी वो है जो रूप से प्रेम करे अपने ही रूप में वो बन गई घमंडी है। एक नारी वो है जो कहती है कि संसार में हमारे सुंदरता में कोई दूसरा ना है, कहो 20 बार शीशा देखे दिन में, हाँ कम से कम 20 बार बिंदिया हटाए लिपस्टिक लगाए कहा होतवा, हाँ हाँ भाई, और कम से कम अपने रूप में बड़ी खुश होती है कि हम ते दुनिया में कोई रूपवान घमंडी है।
एक नारी वो है जन दुष्टन को संघार कियो, और दुष्टन के लिए वो तो बन बैठी चंडी है। यही माँ भवानी जो दुष्टों के लिए विकराल रूप धारण कर लेती है। आज वही नारी जिसके पति का अपमान हुआ है तो चंडी का रूप धारण कर दिया। मेरे भगवत प्रेमियों, विकराल रूप में मां आज क्रोध झलकने लगा है, क्रोधाग्नि भभकने लगी है, और योगा अभ्यास के द्वारा मां भवानी के आज शरीर में अग्नि प्रचंड हो गई। जब अग्नि प्रचंड हो गई देवता सभी घबरा गए। ये क्या हुआ? यज्ञ बंद हो गया मेरे भगवत प्रेमियों। दो गढ़ जो भगवान शिव ने भेजे थे वो उपद्रव करने लगे। आज भृगु ऋषि की दाढ़ी को नोच लिया है, लेकिन आज उनके अवघातों को रोक करके भगा दिया है। तो दोनों गढ़ पहुंचे कैलाश पर्वत पर, जहां हमारे भूतेश्वर बैठे हुए हैं। दोनों जाकर के गिर पड़े का भोलेनाथ, गजब हो गया प्रभु, गजब हो गया। भगवान शंभु कहने लगे, क्या हुआ? अरे गड़ो, क्या बात है? अरे सती मैया अपने पिता के यहां पहुंची और आपका स्थान न देख करके आज मैया अग्नि में कूद पड़ी। ज्यों ही मेरे भोलेनाथ ने सुना कि मेरे पीछे अग्नि में कूद पड़ी मां भवानी, क्रोध आ गया मेरे भोलेनाथ को। आज एक जटा का बाल खींच करके जिस समय जमीन में पटका है तो एक वीरभद्र नाम का राक्षस उत्पन्न हो गया। हंसने लगा भोलेनाथ, क्यों प्रकट किया मुझे? भगवान भूतेश्वर कहने लगे, वीरभद्र तुम जाओ दक्ष प्रजापति के यहां चले जाओ, यज्ञ हो रहा है, यज्ञ को विध्वंस कर दो, चांदनियों के खंभे उखाड़ करके फेंक देना और घी का घड़ा उठाना, देवताओं की खोपड़ी में मार देना। यज्ञ कुंड को उखाड़ करके इतनी जोर से फेंकना कि सौ योजन जाकर के दूर गिरे, और आगे बढ़ के राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर जाओ। आज वीरभद्र चल दिया मेरे भगवत प्रेमियों, और इधर भोलेनाथ की आज्ञा ले ली है। तो इतनी बेग से वीरभद्र चला है मेरे भक्तों के जोर की आंधी तूफान आने लगी, आंधी तूफान आने लगी मेरे भगवत प्रेमियों। अरे लेके आज्ञा शिव शंकर की, अरे वीर भद्र लई शीत लगा, आधी तूफान के जोर किया बे, भक्तों ध्यान बिसर नहीं जा। तूफान जोर की आने लगी है। देवता ऊपर को देखने लगे कि क्या बात है। कुछ कहने लगे, भैया हवा चल रही है। कुछ कहने लगे, मालूम ना भैया जिसे जेठ की दोपहरी में ना है, हवा की कांट बन जावे वो है। एक कहने लगो, सती जी अग्नि में कूद पड़ी, को अनिष्ट होने वाला है। और इतनी बात कहने जो पाए वीर भद्र की रो तो पहरा, और चांदन के खम्भे उखाड़ के फेंके घी को घड़ा, जन लियो उठा। घी का घड़ा उठाया, देवताओं की खोपड़ी में मार दिया मेरे भगवत प्रेमी। आगे क्या हुआ? और यज्ञ कुंड को उखाड़ के फेंको,
सोयोजन पर बनो ध्यान, आगे बढ़ के राजा दक्ष को अरे सिर आए धड़ से भद्र की देवता आज गए थे तहलाल और यज्ञ विध्वंस दक्ष को की और आगे कथा जो रहे सुना भक्तो होनी है बलवान इतने कछु और वही रहो है बलवान इतने कछु और कोई रहो है और हुई रहो है और हुई रहो है इतने कछु और हुई रहो है भक्त होनी है बलवान प्रेमियों चांदनियों के खम्भे उखाड़ करके फेंक दिए, घी का घड़ा उठाया, देवताओं की खोपड़ी में पटक दिया और मेरे भगवत प्रेमियों यज्ञ कुंड को खाल के फेंका, स्वयोजन जाकर के दूर गिरा और आगे बढ़ के राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। बोले शंकर भगवान की। भगवान भूतेश्वर चले क्रोध से, क्योंकि सती से इतना स्नेह था, इतना प्रेम था, अग्नि से निकाला और अपने हाथों पर लेकर के हमारे भोलेनाथ जा रहे हैं। क्रोधा अग्नि भबक रही है, देवता सभी देख रहे हैं कि अब तो संसार में महाप्रलय हो जाएगा। सभी देवता आज दहला गए, अब क्या होगा, अब तो महादेव क्रोध में है, इनका क्रोध कैसे शांत होगा। सभी भगवान विष्णु के पास में पहुंचे, चरणों में देवता प्रणाम किया, प्रभु हे हे कमलेश, हे प्रभु दीन बंधु, इस समय मां भवानी यज्ञ कुंड में कूद पड़ी और भोलेनाथ अपने हाथों पे लिए हैं, जा रहे हैं, इतना क्रोध भबक रहा है, प्रभु महाप्रलय हो जाएगा, आप उनके क्रोध को शांत करें। देवता से भगवान कहने लगे, देवताओं दक्ष ने ये अच्छा नहीं किया, अरे किसी के पति का अपमान किया तो पत्नी कैसे चैन से बैठ जाएगी है, और वो भी साक्षात भवानी, अरे उनके क्रोध को तो फिर कोई शांत करने वाला ही नहीं है। मेरे भगवत प्रेमियों, देवता प्रार्थना करने के, प्रभु सृष्टि का विनाश हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा भोलेनाथ, यदि क्रोध उनका शांत नहीं हो संहार कर देंगे प्रभु, अब आप क्रोध को शांत करें। तो भगवान कमलेश चल दिए, देखा कि भोलेनाथ सती को लिए जा रहे हैं। आज मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान कृष्ण, भगवान ने उनके क्रोध को खींच लिया, नेत्र खुले तो साक्षात भगवान विष्णु को जिस समय देखा भोलेनाथ ने, क्रोध चला गया। मेरे भगवत प्रेमियों, देवता प्रार्थना कर लेंगे, हे भोलेनाथ अभी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ है, और हे महादेव यदि आप नहीं चलोगे तो यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता है, आप चलो प्रभु। देवता प्रार्थना करने लगे हैं, आज भोलेनाथ को मनाने लगे हैं, तो जितने पंडाल में हमारे देवता बैठे हुए हैं सभी एक भोलेनाथ का संकीर्तन बोलेंगे, तालियां बजा के उनको मनाएंगे, और इसके बाद आगे की कथा, सभी बोलो तालियां बजा के बोलो, शिव शंकर त्रिपुरारी तुम पूजे दुनिया सारी,
तुम हो प्रभु अंतर्यामी, तेरी मैं माना ही जानी। बड़े सीधे भोले भाले गले में नाग डाले, बड़े सीधे भोले भाले गले में नाग डाले, मेरे भोले साथिया, मेरे भोले साथिया, ना दिया ना दिया ए चढ़े तुम ना दिया। सभी बोलो तालियां बजा के, इधर की माता बहनाओ सभी बोले, ऊपर को हाथ करें सभी भगवान के दरबार, सभी ऊपर को हाथ। तुम रमाए रहते हो तन पर हर दम, तुम भसम रमाए रहते हो, एक खाके भंग धतूरा भोले पड़े नशा में रहते हो, खाके भंग धतूरा भोला हर दमाए रहते हो, तेरे खेल निराले गले में नाग काले, तेरे खेल निराले गले में नाग काले, मेरे भोले साथिया, मेरे भोले साथिया, ना दिया ना दिया ए चढ़े तुम ना दिया। ब्रह्मा को वेद दे दिया, भागीरथ को गंगा दे दी, ब्रह्मा को वेद दे दिया, विष्णु को दे दी सुंदर नारी, चक्र सुदर्शन दे दिया, हो विष्णु को दे दी सुंदर नारी, चक्र सुदर्शन दे दिया, और ना दिया ना दिया ए ना दिया ना दिया अरे चढ़े तुम ना दिया, ओ ना दिया ना दिया चढ़े तुम ना दिया। शंकर भगवान की जय हो। आहा मेरी भगवत प्रेमियों, देवताओं ने मनाया भोलेनाथ को, आदेश दिया भगवान विष्णु ने, कहा हे भोलेनाथ भूतेश्वर यज्ञ को पूर्ण करवाइए। तो भगवान भोलेनाथ यज्ञ में आए तो देखा कि दक्ष का सिर धड़ से अलग पड़ा है, तो उस सर को भगवान ने नहीं जोड़ा, किसका सर लगा दिया, बकरे का। बकरा कहता है मैं, और जो शब्द मैं कहता है तो मैं शब्द मैना, जो मैना कहती है पिंजड़े में पाली जाती है, और बकरी जो मैं करती है वो गरे छुरी चलवाती है।
जो बकरी मैं करती है तो बा के गर्दन पे छुरी चलाई यार। मैं शब्द हो गया ये अहंकार, और अहंकार विनाश का कारण है। तो अहंकार तो मनुष्य को आना ही नहीं चाहिए। दक्ष को इतना घमंड था मेरे भगवत प्रेमियों, तो भगवान ने इसीलिए बकरे का सर लगा दिया। आज बम बम कहता हुआ खड़ा हुआ और भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा। मेरे भगवत प्रेमियों, आज बैठार करके और भगवान भोलेनाथ ने यज्ञ को पूर्ण करवाया और स्थान दिया भोलेनाथ को, और आहुतियां दी है मेरे भगवत प्रेमियों। आज इधर इस प्रकार से यज्ञ पूर्ण किया भगवान भोलेनाथ के द्वारा हुआ, और आज स्वयं भगवान भूतेश्वर कैलाश पर्वत पर आ गए। इस कथा से हमारे देवियों को क्या मिला, हमारे देवताओं को क्या मिला? देवताओं को इस कथा से ये मिला कि ससुराल की सताई हुई कोई बहन बेटी अगर आपकी शरण में आ जाए तो आपका कर्तव्य है उसकी उसकी सहायता करें, उसके संकट में सहायता प्रदान करें कि क्या दुख है। किसी की भी बहन बेटी आपकी शरण में आ जाए तो हमारा आपका कर्तव्य है कि उसे प्रेम से बिठा ले और उसकी बात को सुने कि क्या इसके पास दुख है, निवारण करें। ये तो हमारे देवताओं को मिला, और देवियों को इस कथा से ये मिला कि पति की बगैर आज्ञा लिए घर से कभी कदम बाहर नहीं रखना चाहिए। जब तक पति की आज्ञा ना हो जाए तब तक देवियों उस घर से कदम ना रखना, क्योंकि संसार में यदि तुम्हारी शोभा है, तुम्हारी पूजा है, तुम्हारी सुंदरता है तो केवल पति के द्वारा है। पति है तो सब कुछ है, सुंदरता है, श्रृंगार है, पूजा है, सब कुछ है। पति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो बगैर पति की आज्ञा, जब तक अपने स्वामी की आज्ञा न मिल जाए तब तक घर से कदम न रखियो, न सती जैसो हाल हुई जावे गो। हाँ, लेकिन हम कछु विचार करती हूँ कि हम रोज पति तकात चले जाओ, साड़ी ले आओ, साड़ी ले आओ, भी जाते ही ना है। अब कहां तक आज्ञा मानी जाए? पति का वो खेतन पे पानी लगाए बेकले, वो भी चट ने टम्पू पे बैठी हाल पहुंच गई बामोर कला, ले आओ साड़ी। बोली आज्ञा कब तक लई जाए? अब पति कह रहे रुक जाओ, चार छह दिन बाद चले। अब इन्हें चार छह दिन रुकने को मौका ही ना है, एक मिनट की इन्हें एक मिनट की शांति ना है। जो चीज कह दई के चाहिए, हाँ भगवत प्रेमी हो, अगर ना मिल पाई तो समझ लो मामला गड़बड़ है। आज इधर इस प्रकार से मेरे भगवत प्रेमी हो, ये हमारी देवियों को इस कथा से मिला है। आगे श्री सुखदेव भगवान कहने लगे, हे राजा परीक्षित, माता सती ने मरकर के पुनः जन्म लिया है। राजा हिमांचल के, हाँ हिमांचल नगरिया में जिनकी मैया को नाम है मैना और पिता का नाम है हिमांचल, आज बेटी बनकर की मां भवानी आई घर में। तो राजा हिमांचल बड़े ही प्रसन्न हुए बेटी को पा करके। मेरे भगवत प्रेमियों, बड़ी खुशियां घर में, बड़ा ही आनंद है। और इधर ब्रह्मा पुत्र नारद जी का पदार्पण हुआ। नारायण नारायण, राजा हिमांचल की ओर देखा तो आहा मुस्करा रहे थे। नारद जी बोले, राजन आज बड़ी खुशी आपको है, बड़ा प्रसन्नचित नजर आ रहे हो, क्या बात है? हिमांचल कहने लगे, हे ब्रह्मापुत्र नारद जी, मेरे घर में एक बेटी ने जन्म लिया और इसीलिए मैं बड़ा प्रसन्न हूं। नारद जी बोले, वाह भाई वाह, मैंने ये पहली बार आपके मुख से सुना कि आप बेटी को पाकर के प्रसन्न हो गए। घर में अगर बिटिया आ जाए तो मम्मी पापा को कम से कम 100 डिग्री बुखार आ जाए। बेनाओ जाद ने तुमने जन्म लिया होगा, सच बताए कम से कम 10 दिन रोटी ना बनी हो, लला हो जा तो है।
लला अगर है गो घर में तो दो कुंटल के लड्डू बटवाए दे, बिटिया है गई तो दो बता सऊ ना बटवाए। भगवत प्रेमियों अगर घर में बिटिया है गई तो टोला मोहल्ला वाले ने पूछी जे बताओ का बहू के भयो, तो धीरे ते कान में कही बिटिया भाई बिटिया ये जान पर मन 100 डिग्री बुखार चढ़ो हुए। अगर लला होएगा लला भयो लला जो पूरे गफार में आम शोर हो जाए गफार में है। मेरे भगवत प्रेमियों मैं तो यही कहता हूं कि परमात्मा यदि पहली संतान दे तो बिटिया दे बिटिया, क्योंकि बिटिया अगर घर में आया तो लक्ष्मी आ गई है। मेरे भगवत प्रेमियों लला तो घर में लक्ष्मी बर्बाद कर दी है, अब बिटिया लक्ष्मी का रूप बन के घर में आती है। मेरे भगवत प्रेमियों तो बेटी प्रथम जब घर में आती है जन्म लेती है जल्दी पल्प उसके बड़ी हो जाए जल्दी बाकी शादी कर दे। लला बड़ो भयो बिटिया छोटी भई तो लला की शादी पहले करवाए दई। और जो घूंघट वाली घर में आई बाने देखोगे ननदिया घर में कुआरी तो आता याद का कहे जब रोण घर में बैठी रही है जना निकल पाई जब चली जाती जागी शादी हो जाती तब हम घर में आते। अब जाके पीछे वो 2-4 लाख लगाऊ पड़े हैं तो आते याद बने ननदिया को गारी देने लगे आए है। तो भगवान बिटिया पहले अच्छी है जो जल्दी पढ़ाई घर की कर दे तुझे गारी ना मिले। हाँ वो आज के युग में ननदिया और सास तो जेरई की बुझी है बहू की बिल्कुल जे समझ ले बहू जे चांद के अकेले ही घर में रहवे को मिले बिल्कुल ननदिया और सास तो आग ही में झुक जाए। मेरे भगवत प्रेमियों तो अब इधर नारद जी कहने लगे राजन वास्तव में आप बेटी को पाकर के इतने प्रसन्न हुए। हाँ मेरे भगवत प्रेमियों आज इधर राजा हिमाचल से कहा नारद जी ने बहुत अच्छा है कुछ और आगे बताइए। राजा हिमाचल कहने लगे स्वामी जी आप घर में आ गए हो तो ऐसा करो अच्छे आप अवसर पर आए मेरी बेटी की हस्तरेखा देख लो नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो आज बाबा नारद ने देखा कहा राजन अरे बिटिया नहीं तो साक्षात देवी है देवी अरे तेरे तो भाग खुल गए ऐसी बेटी को पा करके। हे राजन इसकी राशि का नाम है कन्या राशि है इसका नाम है पार्वती उमा गिरिजा कई नामों से ये जानी जाएगी। राजन नारद जी से कहने लगे हिमाचल महाराज एक बात और बताए दे। बोले कौन सी बोले जी बताओ जाको दूला कौन है दूला। नारद जी बोले बा भाई बा बिटिया अबे कल पैदा भाई और दूल्हा की पहले पड़ गई तुम्हें। बोले महाराज जी ऐसा है कि जिस दिन बिटिया घर में जन्म ले ले 22 दिन तक माता पिता को चिंता हो जा शादी के लिए। तो अब नारद जी कहने लगे सुनो राजन तुम्हें पता नहीं है के नारद बोले गिरिराज सुनो और ये कन्या नहीं भवानी है आदि शक्ति प्रगटानी है और तेरे भाग की निशानी है। और सुनो लोक की पूछ कहलाएगी और त्रिलोक पति को पाएगी। इसका जो
पति होगा वो तीनों लोकों का स्वामी होगा। पर किसी अवधूत फक्कड़ को तेरी बिटिया बिभाई जाएगी, किसी अवधूत फक्कड़ को तेरी बेटी विवाही जाएगी। जो इसका पति होगा वो फक्कड़ होगा, भंग दतूरा खाने वाला और शरीर पे भस्म रमाने वाला, मरघट पे रहने वाला, भूत प्रेतवा के साथी हुए। तो महाराज हिमंचल बोले जे बिटिया नहीं तो कलंकिन है। नारद जी बोले बिटिया कहूं कलंकिन हुआ करती है। उसका राजन सुनो, भावी पर कोई काज नहीं और बहम की कोई दवा नहीं। बहम अगर हो जाए तो बा को इलाज दुनिया में है ना है। हाँ, बहम की कोई दवा ना है भाई, और मौत का कोई पता नहीं। एक बात जरूर है, अगर ये बेटी भगवान का आश्रय ले ले, अगर ये भगवान का भजन करने लगे तो इसका अवगुण गुण में बदल जाएगा। आहा, मेरे भगवत प्रेमियों, कहा ये भोलेनाथ की पूजा करने लगे। नारद जी बता के चले गए। इधर धीरे 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 मैया पार्वती जब 11 बरस की है गई, माँ भवानी को पता चला कि मेरे स्वामी स्वयं भोलेनाथ बन करके आएंगे, तो बैठ गई। और जब मैना को पता चला कि वो मरघटिया मेरा दामाद बन के आएगा, तो बैठ के रोने लगी। कौन सी माँ होगी जो मरघटिया को विवाह देगी? हर माँ चाहती है मेरी बेटी का वर अच्छा हो, जितना अच्छा घर ना हो जितना अच्छो वर हो। हाँ, अगर मैल ऊंचे बने और वर नीको ना है तो बिटिया का कहे बा घर को काम खाए का बिछाए का करे। गंगा पार के गोधन बेज मिले दे किले, दुनिया का लड़का ही ना आते। तो भैया पहले बर और बा के बाद में घर। हाँ मेरे भगवत प्रेमियों, अब इधर मैया पार्वती भी रो रही और मैया मैना भी रो रही, लेकिन रोने का भाव अलग अलग है। मैया मैना तो इसलिए रो रही है, मेरी सोने जैसी चिड़ैया। हाँ, जब मरघटिया को बिभाई जावेगी, कौआ की चोंच में अंगूर नीको ना लगे, इसलिए रोई। अब पार्वती किस लिए रोई? कौन दिन ऐसो ही गो जा दिन भोलेनाथ हमको लिबैबे के ले आवेंगे। रोने का भाव अलग अलग है। इधर मेरे भगवत प्रेमियों, मैया पार्वती ने कटी वस्त्र धारण किए, निर्जन वन में तपस्या करने के लिए पहुंच गई। पहुंच गई, ऊर्ध्वा ऊपर को भुजाएं कर ली और मंत्र जाप करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब तक सप्त ऋषि आ गए और सप्त ऋषि कहने लगे, हे गिरिजा किसे मना रही हो, किसकी तपस्या कर रही हो? काहे सप्तऋषियों, मैं भगवान शिव की तपस्या कर रही हूं। क्यों? मैंने प्रण किया है कि विवाह करूंगी तो भगवान शिव के साथ में, अन्यथा जीवन यो ही व्यतीत कर दूंगी। सप्तऋषि बोले का पागल है गई हो, बाग के पीछे तनी बाबरी, मरघट पे रहने वालों ना घर द्वार है, ना मड़ैया है, ना परिवार है, कुछ भी ना है, भूत प्रेत संगी है, भंग दतूरा खाने वाला कुछ ना है, और बाकी पीछे इतनी प्रेम पागल है गई हो, कालो कलूटो है, ऐसो लगे मन 80 साल के बूढ़े बाबा हो। जो ही कहा सप्त ऋषियों ने, मैया गिरजा कहने लगी, ए सप्त ऋषियों, मेरे भोलेनाथ की क्या तुम बुराई कर रहे हो? ऐ सुनो, तुम्हें ये पता नहीं, Thank you.
आज इधर मेरे भगवत मैया गिरिजा कहने लगी हैं, तुम्हें ये मालूम नहीं है कि मैंने यही प्रण किया है कि जन्मे लाओ रागाड़ी हमारी, जन्मे लाओ रागाड़ी हमारी, रहूं शाम बोना रहूं कुवारी, कहा कि जन्म जन्म लो रगड़ हमारी, परऊ शंब न रहूं कुवारी। मैंने यही प्रण किया है। सप्तऋषि समझा रहे हैं, सुनो तुम्हें पता नहीं सती से इतनो प्रेम रहो, इतनो प्रेम जरा सी गलती में तने रूठ गए, तने रूठ गए कि भी मनाए मनाए के तरस गई लेकिन मनाए नहीं पाई, और बातों पीछे तुम पागल है गई हो है मेरे भगवत प्रेमियों। आज इधर नहीं मानी मैया गिरिजा, और सप्तऋषि दौड़ करके कैलाश पर्वत पर पहुंचे और कहने लगे भोलेनाथ आपकी जय हो जय हो। सप्तऋषियों कैसा शोर कर रहे हो, कहा महाराज हे भोलेनाथ आज हम बड़ी खुशी लेकर के आए। भोलेनाथ कहने लगे क्या बात है, बोले महाराज आज हम लड्डू पूड़ी का इंतजाम करके आए। बोले क्या मतलब, बोले मतलब जे हम आपकी शादी लेके आए। भगवान भोलेनाथ कहे सप्तऋषियों क्या तुम मेरी मजाक बना रहे हो, शादी ना करेंगे। बोले क्यों, इसलिए ना करेंगे कि जितनी आई सब साथ छोड़ के चली गई, एक उन साथ ना ने पाऊ है, अब हम अकेले ही रहेंगे। बोले ना भोलेनाथ ऐसा करो, अरे शादी को नाम सुन के तो लोग चारपाई से उछल पड़ते हैं और आप खुशी होनी चाहिए। भोलेनाथ कहने लगे ऐसी कौन सी बिटिया होगी जो हम तो शादी कर लेगी, बताओ हम तो मरघट पर रहने वाले, ना मेरे कुछ महल है, कहां पे बाको रखेंगे, कुछ भी ना। बोले महाराज चाहे कुछ ना हो लेकिन वो आपके प्रेम में इतनी पागल है। बोले पहले बिटिया को नाम बताओ। बोले महाराज बिटिया तो इतनी सुंदर है, आंख तो इतनी सुंदर है कि देख के हिरनिया शर्माए जाए, नाक तो इतनी अच्छी है कि देखे तोता उड़ जाए है। अब जियो ही का नाम बताओ। बोले राजा हेमंचल की बिटिया है जाको नाम है गिरिजा, वो निर्जन वन में आपकी तपस्या कर रही और मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो मानी ना है, वो कह रही है विवाह करूंगी तो भोलेनाथ के संग में अन्यथा जीवन ऐसा व्यतीत कर दूंगी, और प्रण किया अगर विवाह ना करो तो वो मर जावेगी। भोलेनाथ कहने लगे ऐसा है ठीक है हम विवाह कर लेंगे लेकिन अभी नहीं, तपस्या में तप लेने दो। इधर भगवान शंकर फिर पुनः समाधि लगा गए कैलाश पर्वत पर, समाधि लगा गए। इधर एक तारक नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ, तारक नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ जिसने देवताओं का जीना हराम कर दिया, देवता सभी परेशान होने लगे। वो तारक नाम का राक्षस यक्ष उपद्रव करने लगा, देवताओं को सताने लगा, तो आज सभी देवता ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और कहा हे ब्रह्मदेव एक तारक नाम का राक्षस उत्पन्न हो गया जिसने देवताओं का जीना हराम कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तारक नाम के राक्षस को तो केवल भगवान शिव का ही पुत्र मार सकता है। देवता बोले वो तो अभी समाधि में लीन है। ब्रह्मा जी बोले पहले खुलवा उनकी समाधि और फिर करवा उनकी शादी और फिर होवे लला और फिर राक्षस खेले कला। बोले समाधि कौन खुलवाने के लिए जाए,
का ये काला क्रूप जो कामदेव बैठा है इसे आदेशित करो ये जाएगा। कामदेव ताक लगाए बैठा था मेरे भगवत प्रेमियों, और जब आदेश दिया है कामदेव को तो आज उसी समय कामदेव आज मेरे भगवत प्रेमियों हाथ में कुसुम बाण लेके चल दिया और कैलाश पर्वत पर पहुंचा जहां भगवान शिव समाधि में लीन समाधिष्ट है। तो जिस समय धनुष पर बाण चढ़ाया है कामदेव ने ज्यों ही बाण छोड़ा भगवान भूतेश्वर के जिस समय मस्तक में जाते तीसरा नेत्र खुला उसी समय कामदेव चल करके भस्म हो गए। जल गया मेरे भगवत प्रेमियों रति मंडल में हाहाकार हो गया। कामदेव की पत्नी का नाम है रति। रति को जब ये मालूम पड़ा कि मेरे पति को भोलेनाथ ने जला के भस्म कर दिया, रोती बिलकती एकदम से भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ी। भोलेनाथ आपने मेरा सिंदूर उजाड़ दिया, बगैर पति के संसार में पत्नी का कोई सम्मान नहीं करता है। हे भोलेनाथ आपने तो मेरा सब कुछ छीन लिया है, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। हमसे वादा किया था उन्होंने कि मैं कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आपने तो मुझे बीच राह में डुबो दिया, मैं कहां जाऊं। बगैर पति के संसार में पत्नी को अंधेरा सा नजर आता है। रति रोकर के भोलेनाथ से बोली, जब विवाह होता है तो मंडप के नीचे पति पत्नी एक दूसरे को वचन देते हैं कि हम एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाएंगे और सुख दुख में हमेशा साथ देंगे। लेकिन भोलेनाथ आपने ये क्या कर दिया, शादी फेरों के हमसे ये बातें किए कि पत्नी सजी है अपने पति के लिए, वो अपने पति के लिए हमारी माताएं बहनाएं सुहागिन देवियां श्रृंगार करती हैं अपने पति के लिए। आह जाती फेरों के हमसे ये बातें किए, पत्नी सजी है अपने पति के लिए, वो अपने पति के लिए। भोलेनाथ माग में भरा है भोला पति का सिंदूर है, ये बिंदिया लगाई मैंने पति का ये नूर है, ये बिंदिया लगाई मैंने पति का ये नूर है, बिंदिया लगाई बनाओ। तुम्हें सुहागिन तुम्हारा पति बनाता है। एक पति की असली निशानी है जो तुम्हारे मांग में है, मंडप के नीचे अपने हाथों से ही पति मांग में सिंदूर भरता है, यही तुम्हारी एक पति की सच्ची निशानी है, है? मांग में भरा है भोला पति का सिंदूर है, ये
ये बिंदिया लगाई मैंने पति का ये नूर है। ये बिंदिया लगाई मैंने पति का ये नूर है। ए लाली लगाई मैंने भजन के लिए सजनी सजी है अपने सजन के लिए तो अपने सजन के लिए सजनी सजी है अपने सजन के लिए तो अपने सजन के लिए। आज कहा भोलेनाथ आप चाहो तो मेरे पति को जीवन दान दे सकते हो, आप तो अजर अमर है, आप तो मनुष्य को मृत्यु के मुख से खींच लेते हैं प्रभु। आज उसी समय भगवान भूतेश्वर ने हे रति रुदन न करो जाओ, इस समय तो नहीं जब द्वापर युग आएगा और द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, उनका विवाह राजा भीष्मक की बेटी रुक्मणी के साथ होगा, तो रुक्मणी से तुम्हारा पति जन्म लेगा जिसका नाम प्रद्युम्न पड़ेगा और तुम्हें पुनः पति द्वापर युग में मिलेगा जिसको तुम गोदी में खिलाओगे। नारद जी तुम नहीं पहचान पाओगे, नारद जी बताएं। तो यही काम देव भगवान कृष्ण का पुत्र बना जिसका नाम प्रद्युम्न पड़ा द्वापर युग में। आज इधर आ गए सप्तऋषि और कहने लगे हे गिरजा अब तो समझ जाओ, रति को विधवा बना दियो, रति के पति को मार दियो और ऐसे के साथ में तुम विवाह करने के लिए जा रही हो। मैया गिरिजा ने कहा कि मन जिसे सच्चा सौर मान लेता है एक बार वही उसका सच्चा पति होता है। मैंने तो मन से माना भोलेनाथ को, कुछ भी हो जाए विवाह मैं करूंगी। मैया गिरिजा लौट करके आई, राजा हिमांचल को पता चला कि भोलेनाथ की समाधि खुल गई है, आज कैलाश पर्वत के लिए टीका भेज दिया, भोलेनाथ के लिए कहा बारात लेकर के आओ। आज इधर मेरे भगवत परमियों उसी समय राजा हिमांचल के घर में आज विवाह की तैयारियां होने लगी और इधर कैलाश पर्वत पर भूतों जैसा साज सजने लगा और आज भोले बाबा को दूल्हा कैलाश पर्वत पे बनाओ जा रहा हो। भूत प्रेत नगिन काल का बम रक्कस बरम देव चुड़ैले भोले बाबा को दूल्हा बनाने लगे, देवता सभी प्रसन्न है मेरे भगवत प्रेमियों। आज भोलेनाथ दूल्हा बनाए जा रहे कैलाश पर्वत पर और जब कहूं भैया की शादी होए ना तो पहले शरीर पे हल्दी को लेपन करो जाए, अब कैलाश पर्वत पे कहां हल्दी जाए। नागनिया बोली सुनो धोनी वाली राख ले और धोनी वाली राख और वही लगाए दे। इधर मेरे भगवत प्रेमियों अब तो धोनी वाली राख एक बोली औरी बहना सुनो मोर काय को बने मोर, बोले चौड़े फन वाले सरप लिया हाँ और सर में लपेट दे आगे को फन कर दे मोर बन गयो। बोली अब जनेऊ काय को बने जनेऊ, बोले सुन एक बरजतिया सांप लिया बरजतिया सांप हाँ और मरगट पे खुपड़ी पड़ी खुपड़ी खुपड़ी लिया बामे सुराग कर दे हैं और सर्प में डाल करके और ऐसा करो गले में डाल के दाएं हाथ से निकाल दीजिए हाँ जनेऊ बन गयो। एक बोली बहना सुनो कंगना काय को बने कंगना और कंगना के बिना तो सुनो लगे बरना है। बोली सुनो एक नागिन लिया नागिन वो जहरीली नहीं हो छोटी वाली
अब वो हाथ में लपेट दे ऊपर ते कालो बालो बीछू रख दे है कंगना बन गो। अब इधर मेरे भगवत लक्ष्मी ब्रह्माणी सभी बड़ी प्रसन्न है, कैलाश पर्वत पर आज मंगल हो रहा है और सभी नाच रहे हैं क्योंकि भोलेनाथ दूल्हा बनाए जा रहे हैं। जब कोई भैया की शादी हो जब दूल्हा बनावे जाते तो द्वारे पे डीजे बज रहे हो हाँ और खूब तैयार है रहे, गीत हो रहे हैं, नाच हो रहा है तो बोले बाबा दूल्हा बनाए जा रहे तो सभी खुशी में गीत बोलेंगे। हाँ ठीक है, बड़े प्रेम से तालियां बजा के और जाको बोले बाबा दूल्हा बनाया रे जाको नाचना सो नाच लियो। ए जाले भी लच्छे दार के भोला किन्ने सजाय हो री, जाले भी लच्छे दार और किन्ने सजाय हो री के भोला किन्ने सजाय हो री। परीक्षित जी तुम नाच ले ए जाले भी लच्छे तार के भोला किन्ने सजायो री, ए ब्रह्मा ने सजायो री विष्णु ने सजायो री, ब्रह्मा ने सजायो री सजायो री विष्णु ने सजायो री, ब्रह्मा ने सजायो री विष्णु ने सजायो री। ए नारद को नंदी को ताबेदार के भोला किन्ने सजायो री, ओ नंदी को ताबेदार के भोला किन्ने सजायो री। सजायो री ब्रह्मा जी सजायो री, लक्ष्मी ने सजायो री ब्रह्मा सजायो री। ए गौरा को ताबेदार के भोला किन्ने सजायो री, ए गौरा को ताबेदार के भोला किन्ने सजायो री। ए गौरा को ताबेदार के भोला शंकर भगवान की जय हो। आज भगवान भूतेश्वर दूल्हा बन गए और बराती कैसे रहे, कछु रुंड बिना कछु मुंडे बिना कछु बीसौ रुंड मुंडे धारी, कुछ हाथ हीन कुछ पैर हीन मोहीन अनेक सुंड धारी। ऐसे बराती रहे भगवत प्रेमियों, काऊ के तो धड़ नहीं है, सरई उठकर चल सर उठकर चलो जा रहे हो और काऊ के भगवत प्रेमियों सर काऊ को तो धड़ उठकर चलो सर नहीं है, काऊ के शरीर में निरी आंखें ही आंखें हैं। ऐसे भोले बाबा के बराती रहे ऐ भगवत प्रेमियों, बंदर का मुख किसी का ऊंट का गला, ऊट को गला लगो बंदर को मुखराए और भगवत प्रेमी घोड़े सी पूंछ उठाए हुए कहू के घोड़ा की पूंछ लगी ऐसे जा रहे हैं। अब तो नंदी पे सवार है गए भोले बाबा, बारात चली कैलाश पर्वत पे सज धज के सभी देवता जा रहे हैं और जब
जब भोले बाबा की बारात आगे चलिए तो भूत प्रेत रहे वो हो करके हसन लागे। एकदम से लड्डू पूड़ी की जब याद आई ना तो हसन लागे हो करके। मेरे भगवत प्रेमियों अब जब हो करके इधर हसन लगे तो मेरे भक्तों अब इधर सभी देवता साथ में रहे तो आपस में कहने लगे जब ये इतना शोर यहाँ कर रहे हैं तो बिटिया वाले के दरवाजे के ज्यादा शोर करें बदनामी हो जावे। मेरे भगवत प्रेमियों आज इधर अब तो एक बोलो ओ बाबा 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 बोले चुप रहा बाबा बाबा कह रहे बात तो बता बोले बाबा तो बोले बात तो बता तो बोले बाबा आप तुम जैसा मन लो मुझे तलब लगी भारी बाबा बात तो बता अब पिलाए दे भंगिया ए पिलाए दे भंगिया ओ भोले बाबा पिलाए दे ओ भोले बाबा ओ भोले बाबा ओ भोले बाबा पिलाए दे ओ भगिया ओ भोले बाबा भगवान भोलेनाथ कहने लगे तुझे शर्म नहीं आ रही बीच डगर में भगिया मांग रहा हूं कैसे निकालूं झोली से और शोरगुल ना बंद करो तो फौरन निकालूं टोली से। बोले बाबा बाबा पिलाए दो बाबा तो जो ही कहा तो भगवान भोलेनाथ ने अपनी झोली में हाथ डालो और एक कालो बालो बीछू निकालो और कालो बालो बीछू निकालो कहिए इतने हाथ कर इतने कर हाथ बहुत अमल लगो तो इतने कर इतने कर इतने कर नहीं तू बहुत शोर कर रहा था इतने कर और जो बाबा ने कालो बालो बीछू बाकी हथेली पर रखो एकदम से बीछू ने टंक मारी बाबा जो ही टंक मारी एकदम से कट सोई गिर पड़ो बाबा बाबा हमें ना भगिया चाहिए बिल्कुल नहीं चाहिए बाबा ने कहीं सीधे चलना। अब आगे और बढ़े तो भगवान विष्णु ने कही कि प्रभु ऐसा है भोलेनाथ ये तो इन भूत प्रेतन को शांत कर लो अगर शांत ना करो तो हमें आज्ञा दो हम अपने चले जाए वापिस लौट जाए काय को बदनामी जी करवाए दी बिटिया वाले के दरवाजे इतना शोर जब यहाँ कर रहे हैं बताओ वहां बिल्कुल हंसी आ जाएगी कि ऐसे बराती है। तो भोलेनाथ कहने लगे ना ना प्रभु अगर ये आप चले गए तो बारात में आनंद नहीं आएगा आपको तो चलना है हम उपाय कर रहे हैं। तो भगवान भोले बाबा नंदी की पूंछ की तरफ मुख कर लो उल्टे बैठ गए देव तो अब देवता कहने लगे अब दूल्हा में चार चांद और लग गए हैं अब भूत प्रेत शांत है गए तो भोले बाबा फिर सीधे बैठ गए। शोर करती हुई बारात और जिस समय हिमंचल नगरिया में आई तो जब काऊ के बैन बिटिया की बारात आवे तो बारात की अगवानी के लिए को जावे ये छोटे छोटे लली लला
जीजा कहते चलो बैंड देखे कौन बैंड आओ, ब्रास बैंड आओ के नागिन बैंड आओ के समा बैंड आओ कौन आओ। हसबैंड नहीं भगवत प्रेमियों आज इधर तो बालक कहने लगे भैया चलो बैंड देखे आए और दूल्हा देखे कैसो दूल्हा है। अब बालकन को का पता के दूल्हा है के मौत को चूल्हा है। तो सभी बालक भाग दिए और जब बारात में पहुंचे मेरे भगवत प्रेमियों, अरे भैया भूत प्रेत बारात में जिस समय बालकों ने देखे मेरे भक्तों, एकदम से बालक डर गए और डर के एकदम से आंगन में मैया अपने मैया के आंगन में आके गिर पड़े। मैया ने कहा बेटा क्या हुआ, तो आवाज आई मैया भूत। बालक बेहोश हो गया। अब तो पूरी हिमाचल नगरिया में शोर हो गया कि गिरजा की बारात में भूत प्रेत आए। नव नव पट्ठा तो गांव छोड़ के भाग गया हूं। भूतन को नाम सुन के भई बूढ़े बूढ़े दादा रखे रहे चरपैया पे जिन पे चलो बटरो न जाए, उन उन्हें मुख पे रजैया डाल लई कहू न भूत चलो आए। शोर हो गया। अब किसी ने ना तो पानी की पूछी ना नाश्ता की पूछी, शोर परो के हाय गिरजा जी की दूल्हा की बरात में भूत प्रेत आए। और जब भूत प्रेत बरा दूल्हा कैसे होएगो मालूम ना है। अब तो एक गिरजा की सहेली राय तो बब बोली ओरी मैया मैना थे, ओ मैया हम गिरजा जी के दूल्हा की आरती उतारे हैं चले जाए। तब बस सहेलियन को लेके और आरती को थाल लेके पहुंची जहां भोले बाबा बैठे रहे जिनके बाल सन की तरह बिल्कुल सफेद हैं, उम्र तो लग गई 80 साल की जैसे बूढ़े बाबा बैठे हो। तो संग की सहेलियां बोली बोली गिरजा जी की थक गई बिल्कुल, दीदी तो बिल्कुल गुलाब को फूल, जीजा जी कैसे हैं है? ये तो बिल्कुल इनको चेहरा ऐसे लग रहा हो मन बिल्कुल झुर्रियां पड़ गई हो चेहरा पे है। अब कहने लगी कि दूल्हे का चेहरा पुराना लगता है लगता है, और दुल्हन का चेहरा सुहाना लगता है। भस्म रमाए अपने तन में गले में सर्पिए काला, ए भस्म रमाए अपने तन पे गले में सर्पिए काला, जटाओं में जग गंग बिराजे माते चंद्रमा प्यारा हो, हो, हो। ए दूल्हे का चेहरा पुराना लगता है लगता है, दुल्हन का चेहरा सुहाना लगता है। लगता है दुल्हन का चेहरा सुहाना लगता है लगता है। अब तो आरती उतारने लगी,
और आरती उतारती रही उतारती थी, जो गले में कालो सर्प रहा है वो भी थाली के साथ चक्कर लगाने लगो। ओ बब मग्न है, नेत्र बंद करें और आरती कर रही बाय ध्यान न, और आरती करती रही करती रही, जो काले वाले नाग ने एकदम से धर के मारी फुसकार, जो कही फू कहूं तो थाल पड़ो कहूं अपन पड़ी, एकदम से भाग दई। भगवत प्रेमियों आज एकदम से भोलेनाथ कहने लग रहे भाभी जी रुक जाओ, नौछरिया तो लाए जाओ, काहे भाग रही हो। बाने जो सरप दे के भाग दे एकदम से, मैया मैना के पास में आगे जाके गिर पड़ी। मैया मैना ने की क्या हुआ, बोले मैया हम गिरजा जी के दूल्हा की आरती उतार दे के ले गई, बड़े गले में लंबे लंबे सर्प लप लप आए रहे। और पैदा हो के जो कहूं गई, जो काले वाले ने मारी फुसकार, तो हड्डियन को ढांचा सो बन जाए। मेरे भगवत प्रेमियों अब तो मैया मैना को भी स्पष्ट हो गया कि बारात में भूत प्रेत आए। पकवान के कमरा भरे रहे, किसी ने पानी तक को नहीं पूछा। तो आज इधर राजा हिमंचल से कहा कि महाराज पकवान के कमरा भरे, किसी ने पानी तक को नहीं पूछा, अरे बारात में कहीं छोटे छोटे बालक भी आए होंगे। तो इधर भोलेनाथ ने देखा कि इसका मतलब है राजा हिमंचल और मैना के अंदर अहंकार का अंकुर उत्पन्न हो गया। तो दो गढ़ भगवान ने तैयार करे, शुक्र और शनिचर। बोले चिल्लाने लगो भूख लगी भूख लगी, चिल्लाने लगो। तो दोनों चिल्लाने लगे बाबा भूख लगी बाबा भूख लगी। तब भोलेनाथ के लिए रुक जाओ इंतजाम कर रहे हैं, हाँ भूख लगी तो कहा हमें खाई ले, इंतजाम कर रहा हूं। तो इधर मैया मैना ने नाई ठाकुर को भेजो के जाओ बारात में देखो जा करके, आयो जल्दी नाश्ता की व्यवस्था करो। तो दो बालक चिल्ला रहे शुक्र और शनिचर भूख लगी। तो नाई ठाकुर ने देखो और कहने ये बालक बड़े बेचारे चिल्ला रहे भूख लगी। भोलेनाथ से कहा कि इन बालकों को भेज दीजिए। बोले ठीक है इनको जल्दी ले जाओ। तो अब नाई ठाकुर दरवाजे पे ले गए, बोले मैया अरे दो बालक छोटे छोटे हैं, उन्हें बड़ी बुजुर्ग की भूख लगी, अरे तुम लेके ना आओ जल्दी से। बोले लिया रे मैया शांति से खड़ी रहियो है। और जो पहले भगवत पर शुक्र भैया को आगे ले गए तो ऐसे लगे मन उनकी नाक स्वर्ग में जा रही है। तो मैया मैना ने जो देखो दोनों को एकदम से कही बेटा अरे जित बालक ना जित भूत है वो को डर लग रहा हो। मैया बोली जल्दी से इनको भोजन खिला दे बेटा आंगन ते ले जाओ। बोले मैया तू ही परस दे। तो दोनों बैठ गए। अब मैया मैना परोसन लगी और पीठ घुमाए के चली, आवाज आई मैया भूख पत्तल साफ। अब की बार दूना करके रख दिया और जो मैया चली बोली आवाज आई मैया भूख। फिर देखे अब की बार और दूना करके रख दिया और फिर चली आवाज आई मैया भूख। मैया मैना कहलेगी हमें लगा तुझे भुखमरा घर के इन्हें कभी खाए पे को ना मिलो। अब की बार और दूनों करके रख दिया और फिर जो चली आवाज आई मैया भूख। मैया मैना कहने लगी इनके पेट है के इंडिया को गेट है, समाता ही चलो जाए रहो। तो मैया मैंने की हमें ऐसे कहां तो परोसती रहूंगी, जो पकवान के कमरा भरे ना दोनों को पकड़ो और पकवान के कमरा में कदो ले जितो लील पा जितो मर पा जितो मल ले, हम तो परेशान है गई। और जो पीठ घुमाए के चली सोई आवाज आई मैया भूख। पकवान के कमरा पूरे साफ। मैया मैना कह रे दैया बदनामी हुई जाएगी। तो बरात को कहा कि जरा जरा से बालकन ने अरे लला मैं तो जानती जी बालक है, अरे जी तो सब खा सब इन्होंने खाए लियो। राजा हिमंचल कहने लगे सब भोलेनाथ की कृपा है, ऐसा करो उन्हीं की प्रार्थना करो। राजा हिमंचल मैया मैना ने पुनः प्रार्थना की है भोलेनाथ से, आज इधर पकवान के कमरा पुनः भर गए। अब ये बालकों की भूख शांत ना है भाई, कह रहे मैया ओ ले आओ ओ ले आओ ओ ले आओ। मैया मैना कहने अब क्या करें। इधर मेरे भगवत प्रेमियों आज भोलेनाथ ने कहा कि जाओ
तुलसी के ढाई पत्ते खिला देना, इसके बाद उनकी भूख शांत हो गई। तो मैया मैना ने तुलसी के ढाई पत्ते खिला दिए। बोले मैया बस भूख शांत है गई। मैया बोली नहीं बेटा और ले लो। बोली नहीं अब नहीं, अरे बेटा और ले लो। तो एकदम से मैया मैना बोली बेटा लाला लड्डू खाओगे या बर्फी खाओगे, बेटा लड्डू खाओ। ए बेटा लड्डू खाओगे या बर्फी खाओगे, भगवत प्रेमियों इधर शुक्र शनिचर को भिजवा दिया। अब इधर राजा हिमंचल ने बारात को बुलवाया अपने दरवाजे पे भोजन के लिए। तो सभी बारात आ गई दरवाजे पे, भोलेनाथ भी है। तो बीच में भोले बाबा बैठे, भोले बाबा के एक तरफ अंधा बैठे हो रहा है, एक तरफ बेरा बैठे हो रहा है, ऐसे बराती रहे भोले बाबा के। तो राजा हिमंचल ने सब परोस दियो। तो जिसे आंखों से नहीं दिखाई देता था उसने कानों से सुना, हाथ टटोल के देखा, लड्डू पूरी बालूशाही इमरती सब परोसी गई। और जिसे कानों से सुनाई नहीं देता था उसने सब कुछ आंखों से देख लिया। तो जो कही राजा हिमंचल ने कि लगाओ लक्ष्मी नारायण की, तो भूत प्रेत पत्तलन पर टूटे। जब टूटे तो भगवत प्रेमियों क्या हुआ, आह तो अंधा और बहरा ने क्या किया, भोले बाबा के बगल में बैठे रहे। बहरा खाए रहो खुल्लम खुल्ला और अंधा ने उठाए लो पको रसगुल्ला। हाय बने ऐसे आटा टूल के देखे बाकी घाई, अब बाको रसगुल्ला उठा के खाए लियो। बहरा खाए रहो खुल्लम खुल्ला, अंधा ने उठा लो बको रसगुल्ला। और बहरा रसगुल्ला मांग रहो और दई बालू साई भोला ने। ए बहरा रसगुल्ला मांग रहो दई बालू साई भोला। अंधे और बहरे लंगड़ों की बारात सजाई भोला ने। अंधे अंधे और बहरे लंगड़ों की बारात सजाई भोला ने। आज इधर बारात ने भोजन किया, मैया गिरजा ने मैना ने जिस समय अपने दमान सांप को देखा, आहा बड़े बड़े सुंदर देवता यम कुबेर वरुण सूर चंद्र सभी हैं। मैया मैना को सब ठीक लगे लेकिन अपनो दमान ही ठीक ना लगो, बिल्कुल बाल रहे सन की तरह सफेद बूढ़ो रहे। एकदम से गिरजा को ले गई अलग एकांत में, बोली बिटिया मने कर दे, बड़े बड़े सुंदर देवता आए काऊ के गले में बरमाना डाल दे, बिटिया जब बूढ़ा के संगे ना जा। अरे लली वो तो ऊंचे पर्वत पर रहता है बेटी, चढ़ती उतरती परेशान हो जाओगी, बगिया खाने वालों घोटत घोटत परेशान है जाओगी। अरे बिटिया बड़े बड़े सुंदर देवता है यम कुबेर वरुण, बड़ी बड़ी सुंदर देवता है, किसी के गले में माला डाल दे। और इधर मेरे भगवत प्रेमी आज समझा रही है। तो मैया गिरजा कहने लगी माँ कुछ भी हो जाए मैंने तो यही प्रण किया है कि विवाह करूंगी तो
भोलेनाथ के साथ में न कुछ भी हो जाए, चाहे मैं मर जाए लेकिन विवाहनी के साथ में करूंगी, हमें कोई देवता ना इच्छो लगे। मैया मुझे तो मैंने तो भोलेनाथ को ही अपने दिल में बसा लिया है और उन्हीं के साथ में मैं विवाह करूंगी। मेरे भक्तों आज मैया मैना समझा रही है, कह रही है बेटी, ए बेटी मान जा, ए गौरा मान जा, ए लाली मान जा, ए बेटी मान जा, बेभाना मती करिए तू बात बेटी मान जा। मान जा ए बेटी मान जा, ए लाली मान, ए बामती करिए तू बात बेटी मान जा। समझा रही है बूढ़ो जो बाबा लागे बेटी मेरी बारी है, जो बाबा लागे बेटी मेरी बारी है, ए संग में तो जाए तेरी हो जावे ख्वारी है। ए बेटी मान जा, ए लाली मान जा, ए बिटिया मान जा, बेबा मत करिए तू बात बेटी मान जा। मान विभा मती करिए तू बात बेटी मान जाए। इधर समझा रहे तब तक नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा रे मैया क्या बात है। मैं ना कहने नारद नगटा तू चलो जा मेरे घर से, तूने तो मेरी बिटिया को दिमाग ही खराब करो है। नारद जी बोले तो कौन सी बड़ी बात, बड़े बड़े देवता आए काऊ के गले में बरमाला डाल ले, लेकिन मैया तुम्हें ये पता है त्रिभुवन में कोई पुरुष नहीं जो शिव की क्षमता पर आए, और सूकर का इतना भाग कहां जो खीर हवन की खा जाए है। वो आदि शक्ति वो आदि देव दोनों मेहमाधारी है और दोनों आधार जगत के हैं, दोनों अनंत अवतारी है, जन्म जन्मांतर से साथ न किसी का छोड़ा है और इसीलिए संसार में शिव पार्वती का जोड़ा है, जोड़ा है, किसी ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा है मेरे भगवत प्रेमियों। अब तो मैया मैना अपने दामाद के पास पहुंची और कहने लगी महाराज बिटिया वो जिद कर रही है ना मान रही है, अब तो असली भेष में आ जा, बहुत हंसी है गई है, बहुत हंसी है गई। आज उसी समय भगवान शिव ने आहा इतना सुंदर रूप रखा कि उस रूप की बड़ाई तो शेष सारदा भी नहीं कर सकते। मेरे भगवत प्रेमियों बड़े सुंदर बन गए और आज मंडप के नीचे पहुंच गए। ब्रह्मा जी पहुंचे विवाह का पठन पाठन करने के लिए, देखा कि गले में सर्प पड़ा है तो भगवान भूतेश्वर ने वो सर्प मंडप में बांध दिया। जैसे मेरे इधर यूपी में तो उसे गूथ बोलते हैं, आपके एमपी में कुछ भी बोलते हो, जब लड़का भामरे पड़ने के बाद जाता है तो वो गूथ खोल के जाता है, वही तब से ये प्रथा चली भोले बाबा की विवाह से। और देखा कि जटाओं में गंगा है तो भगवान शंकर ने गंगा जी ली कड़ाई में छोड़ दी, जिस जल से हम आप वर वधू के पैर पूजते वही गंगा जी है।
चंद्रमा देखा मस्तक पर है, तो चंद्रमा को दीपक समझ के भगवान ने वही मंडप के नीचे ढक दिया। आपने देखा होगा दीपक भी रखा होता है, आज रख दिया, बैठ गए मैया पार्वती को बुलाए हो गए, आज इधर आहा राजा ही मंचल और मैया मैना स्वयं कन्या दान लेने लगे हैं। मेरे भगवत प्रेमियों आज देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं, सभी प्रसन्न हैं। तो परीक्षित जी आप सबसे प्रथम खड़े हो और पहले आप कन्या दान ले आए, कितने थे? ज्यादा तो ना, कम से कम 500 एक से तो ले ही लियो। भोले बाबा को विवाह भयो है, हे रहो माता बहने हमारी बारी बारी से सभी आएंगी मंच के पास। और मैंने कल बताया था कन्या दान के लिए दान लेकर के आई हो, तो सभी माता बहने आएंगी बारी बारी से और यहाँ कन्या दान समर्पित करेंगी और गीत बोलेंगी। केवल 10 मिनट की बात है, मैंने कल कह दिया था सभी आएंगी बारी बारी से। भोले बाबा के विवाह है नहीं जा रहे, जब कहो कि विवाह शादी में जाओ निमंत्रण में जाओ तो 1000-2000 तो खर्च हो ही जा, लेकिन यहाँ ज्यादा खर्च ना करो, 100-100 सब कर दो तो ठीक है। हाँ बूंद बूंद से गड़ा भर जा, ठीक है। सभी बोलेंगे तालियां बजा के और बारी बारी से आइयो माता बहने सभी आएंगी गद्दी के पास में। हाँ भोले बाबा के हमारे देवी देवता सभी आएंगे, क्योंकि सभी देवता भोलेनाथ की बारात में है। यही सामने और नीचे ही सही, यही ध्यान सामने। परिचय जी सस्ते में निवेदन करो महाराज, लॉकडाउन के मारे भाई तो दे दे जो हम आई पंडितानी के वाले तो खोल ही दे। हाँ ये हमारे परीक्षित जी परीक्षितानी जी के द्वारा प्रथम कन्यादान लिया गया है। परीक्षित जी के द्वारा 51 मुद्राओं से हमारी परीक्षितानी जी की तरफ से सभी आएंगे माता बहने बारी बारी से प्रणाम करेंगी और कन्यादान लेंगे। गीत बोले कि आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज प्रभु और ऐसा लगता है कि ये संसार की शादी है, आज प्रभु रार की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी। माता बहनाओ देखो बिल्कुल आओ, सभी आओ, जो माता बहना भाई बैठी अभी ये दान करने का समय है, आइए सभी आओ बारी बारी से। और ऐसा लगता है कि ये संसार की शादी है, आज तपुरार की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज त्रिपुरार की शादी है।
सभी भूत प्रेत नंदी बड़े खुश है। अरे दूल्हा बन गए हैं त्रिपुरारी दुल्हन, ये दूल्हा बन गए हैं त्रिपुरारी दुल्हन पार्वती नारी, दूल्हा बन गए हैं त्रिपुरारी। अरे हिमाचल नगरी में खुशियां छाई हिमाचल, अंगना में पड़ रही भक्तों बधाई अंगना, ए दूल्हा बन गए हैं त्रिपुरारी दुल्हन गिरजा महतारी, दूल्हा बन गए हैं त्रिपुरारी दुल्हन पार्वती नारी। काना मैंने बुलायो नहीं आयो, काना मैंने बुलायो नहीं आयो, ए के कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो, कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो, काना मैंने बुलायो नहीं आयो, काना मैंने बुलायो नहीं आयो। अरे द्रौपदी का तेरी सारी लगत है सरेज लगत है सरेज लगत है, ओ द्रौपदी का तेरी सारी लगत है सरेज लगत है सरेज लगत है, द्रौपदी का तेरी सारी लगत है सरेज लगत है सारी लगत है, बाको चीर बढ़ायो कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो, रचना मैंने बुलायो नहीं आयो, रचना मैंने बुलायो नहीं का तेरो फूफा लगत है जीजा लगत है फूफा लगत है, नरसी का तेरो फूफा लगत है जीजा लगत है फूफा लगत है, नरसी का तेरो जीजा लगत है फूफा लगत है जीजा लगत है, को भात भरायो कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो, कनुआ मैंने बुलायो नहीं आयो, कनुआ मैंने बुलायो नहीं।
कर भगवान की जय हो। आज मेरे भगवत प्रेमियों बड़े ही हर्षोल्लास से विवाह हो रहा है। अब भामरों की बारी है और थोड़ी देर बाद आरती की तैयारी है। परिचय जी आरती तैयार है? हाँ, भामरे पड़ जाए। निवेदन है भैया देवी देवताओं से, जो भी कन्यादान लेना चाहते वो शीघ्र ही आ जाओ। वैसे सब माता मैंने नहीं आई है, आओ। अरे रुपया ना हो तो ऐसे ही आओ, पुष्प चढ़ा जाओ भगवान के लिए, ठीक है? हाँ, सभी भामरे बोलेंगे, 5 मिनट की बात है। और जिनको भी कन्यादान लेना है भोले बाबा के विवाह में, वो सभी आए। हाँ, अरे पहली भमरिया बोए अबे तो दिए बापई की जगी, पहली भमरिया बोए अबे तो दिए बापई की जगी, पहली भमरिया। अरे पहली भामर पड़ गई जब दूसरी पे नंबर आयो, हाँ पहली भामर पड़ गई जब दूसरी पे नंबर आयो। और दूजी भामर पूरी हुई गई गौ, तीजी पे नंबर आयो, अब तो दिया पापई की जकी दूसरी भमरिया भो। अरे तीजी भामर पड़ गई जब चौथी पे नंबर आयो, हाँ तीजी भामर पड़ गई जब चौथी पे नंबर आयो। अरे चौथी भामर पूरी हुई गई गौ, पांचवी पे नंबर आई, अबे तो दिया बापई की जगी चौथी भमरिया हो। पांचवी भामर पड़ गई जब छठी पे नंबर आयो, हाँ पांचवी भामर पड़ गई जब छठी पे नंबर आयो, हाँ छठी भामर पूरी हुई गई रे गौ, सातवी पे नंबर आई, अबे तो दिया बापई की जगी छठी भामर। छठी भामर पड़ गई जब सातवीं पे नंबर आयो, हाँ छठी भामर पड़ गई जब सातवीं पे नंबर आयो, और सातवीं भामर पूरी हुई गई और देवता रे फूल बरसात, ए के बबुली हो गई बबुआ की जगी सतई भामरिया हो, के गोरा हो गई भोला की जगी सतई भामरिया। शंकर भगवान की जय हो। आज बड़े प्रेम से राजा ही वंचल ने मैया मैना ने कन्यादान लिया। और मेरे भगवत प्रेमियों, बेटी तो ऐसे होती है जैसे धान की पौध, किसी खेत में उसे तैयार किया जाता है, वो किसी दूसरी जगह फलती फूलती है। तो बेटी का कहीं जन्म होता है और कहीं दूसरी जगह फलती फूलती है। मेरे भगवत प्रेमियों, कन्या न होती न व्यवहार होता न कुछ सार होता, न होते जगत के रिश्ते ये नाते, न आकार न निराकार न साकार होता, कन्या न होती न संसार होता न व्यवहार होता। अगर बेटी नहीं होती तो व्यवहार नहीं होता। मेरे भगवत प्रेमियों, बेटी से तो ही व्यवहार बना है। और इस प्रकार से आज
भगवान भोलेनाथ पार्वती भैया को लेकर कैलाश पर्वत पर आ गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। माता बिना आरती होने के लिए यार 5 मिनट दे दो, ज्यादा नहीं। आरती प्रसाद का तिरस्कार करके नहीं जाया जाता है, बस आरती होने के लिए जा रही है। और कल ध्रुव चरित्र प्रहलाद चरित्र बलि बामन की कथा होगी, तो बामन भगवान राजा बलि के यहाँ दान लेने के लिए जाएंगे। तो कल सभी माता बहनें बावन भगवान के लिए दान लेकर के आवेगी। कल बड़ी सुंदर पावन कथा है, पहले ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, बलि बावन चरित्र, बड़ी बड़ी सुंदर कथाएं कल आपको श्रवण कराई जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब सब खड़े हुई जाओ आरती के लिए। सभी हो जाएं और भगवान की मंगलमयी आरती। सभी जो भी हमारे इधर उधर भक्तगण विचरण कर रहे हैं वो इधर आ जाओ भगवान के दरबार में। प्रभु की पावनमयी आरती होने के लिए जा रही है। हाँ थाल ले लीजिए, बड़े प्रेम से आरती करें। आरती प्रसाद लेके जाएंगे और कल बड़ी सुंदर पावन कथाएं आपको श्रवण कराई जाएंगी। बहुत खास निवेदन है भक्तों से, वास्तव में ग्राम कफार के भक्तों के अंदर श्रद्धा का भाव है कि आज कथा का तृतीय दिवस था, तो तृतीय दिवस में हमारे भक्तगण बड़ी संख्या में आए हुए। हम बड़े ही अपने भक्तों के आभारी हैं। और आरती भगवान की जब करें तो पैरों से जूता चप्पल उतार दिया करें, पैरों में जूता चप्पल नहीं होने चाहिए। हाँ, और सर ज्यादातर सर भी ढक लेना चाहिए। जब पूजा पाठ हम आप करते हैं तो सर नहीं खुला होना चाहिए उस समय, ठीक है। मैं तो आरती उतारू प्रेम रसी की भरी, मैं तो आरती उतारू प्रेम रसी की भरी, मैं तो आरती उतारू प्रेम रसी की भरी, ओ मैं तो आरती उतारू प्रेम रसी की भरी। आरती कीजे श्री विष्णु की, आरती कीजे श्री विष्णु की, लक्ष्मी मैया के प्रेम की भरी, मैं तो आरती उतारू प्रेम रसी की भरी, ओ मैं तो आरती उतारू प्रेम रसी की भरी। कीजे श्री राघव की, आरती कीजे श्री राघव की, श्री राघव की लक्ष्मण जी की, श्री राघव की लक्ष्मण जी की, लक्ष्मण जी की हनुमति जी की, लक्ष्मण जी की सीता मैया के प्रेम की भरी, है तो आरती उतारू प्रेम रसी की भरी, ओ मैं तो आरती उतारू प्रेम रसी की भरी। आरती कीजे कृष्ण चंद की, आरती कीजे कृष्ण चंद की, कृष्ण चंद की बलदाऊ जी की, कृष्ण चंद की बलदाऊ जी की, राधा मैया के प्रेम की भरी, मैं तो आ
आरती कीजे शिव शंकर की, आरती कीजे शिव शंकर की, शिव शंकर की गणपति जी की, शिव शंकर की गणपति जी की। गौरा मैया के प्रेम की भरी मैं तो आरती उतारू प्रेम रस की भरी, ओ मैं तो आरती उतारू प्रेम रस की भरी। तुलसी की आरती वेद व्यास तुलसी की, गंगा यमुना सरस्वती की, गंगा यमुना सरस्वती की, श्री गीता रामायण जी की, श्री गीता रामायण जी की। भागवत मैया के प्रेम की भारी है तो आरती उतारू अपने की, आरती कीजे गुरु अपने की, आरती रतनगढ़ मैया की कीजे, आरती रतनगढ़ मैया की कीजे, आरती कात्यानी मैया की कीजे, आरती कात्यानी मैया की कीजे, आरती ब्रह्म देव की कीजे, आरती ब्रह्म देव की की, आरती सब संतन की कीजे, आरती सब संतन की कीजे, हे सुखी रहे आरती करैया, सुखी रहे आरती करैया, सुखी रहे सब कथा सुनैया, सुखी रहे सब कथा सुनैया। आज की कथा यही तक होई, आज की कथा यही तक होई, कल सुनन आइयो सब कोई, कल सुनन आइयो सब कोई, खाली हाथ आइयो न कोई, खाली हाथ आइयो न कोई। ऊपर को हाथ करे सभी भगवान के लिए और श्याम के बिना तुम्हें आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधे, बोलो राधे 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 बोलो। ए कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगे तिहारम, वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी, चैतम नमामि भवम भवानी।